की कहानी। मैं हूँ स्वरा। एक निजी लग्जरी क्रूज जहाज समुद्र में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। समीरा रावत एक दहाड़ते शेर की तरह बहुत गुस्से में थी, लेकिन निराश भी थी और साथ ही बहुत सारी बातें समझने की भी कोशिश कर रही थी। वो एक आरामदायक सफेद टी शर्ट और जींस में थी और क्रूज जहाज पर डेक के इतने किनारे पर खड़ी थी कि बस एक कदम पीछे और वो सीधे गहरे समुद्र में गिर जाए। सबसे बुरी बात यह थी कि गोली लगने की वजह से उसके दाहिने कंधे और बाईं जांघ से खून बह रहा था। वो कांप रही थी और डगमगा रही थी, लेकिन अभी भी वहां खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। वो बहुत बहादुर थी। दरअसल समीरा को डराने के लिए दो गोलियां काफी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत नहीं बची थी क्योंकि उसे पहले ड्रग दे दिया गया था, वरना उसे आसानी से पकड़ना मुमकिन नहीं हो पाता। एक आदमी और एक औरत उसके खिलाफ खड़े लोगों के एक ग्रुप के हेड थे। उस औरत के गहरे लाल घुंघराले बाल थे, उसने सुंदर लगने के लिए हैवी मेकअप किया था और सफेद ड्रेस पहन रखी थी। उसकी आंखें खुशी से भरी हुई थी, जबकि वो आदमी लगभग 30 साल का होगा और उसने भी एक सफेद सूट पहन रखा था। वो आदमी काफी हैंडसम नजर आ रहा था। वो दोनों डाउटफुली एक दूसरे के करीब खड़े थे और देखने में बिल्कुल अय्याश लग रहे थे। उस आदमी और उस औरत के पीछे 7 या 8 गार्ड्स थे और वो सब काले सूट में थे। हालांकि सफेद सूट में जो आदमी था वो बिल्कुल साइलेंट था, लेकिन उसकी बाज जैसी आंखें उसके ठीक सामने खड़ी समीरा पर टिकी हुई थी। उसके बंदूक का निशाना समीरा की तरफ था और वो गोली चलाने के लिए एकदम तैयार था। समीरा को वो दो गोलियां भी उसी आदमी ने मारी थी। क्यों? समीरा ने बहुत मुश्किल से पूछा। उसकी खून भरी आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा और पेन नजर आ रहा था। वो उस आदमी और उस औरत को देखती रही जो ज्यादा करीब आ चुके थे। क्यों? इंटरेस्टिंग। वो औरत जिसका नाम रिया था हंस पड़ी, जैसे कि उसने कोई मजाक सुना हो। समीरा, तुम्हें अभी भी ये सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है? तुम्हें सच बताऊं तो मैं वो इंसान हूं जिससे राजदीप हमेशा से प्यार करता था और तुम उसके लिए केवल एक जरिया थी। यही कारण है कि राजदीप पिछले 2 सालों से तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार नहीं था। तुम समीरा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अगर नजरों से लोगों को मार सकते तो उसने अपने सामने खड़े रिया और राजदीप को कब का मार डाला होता। समीरा की सौतेली बहन रिया उससे 2 साल छोटी थी। 10 साल पहले रिया की माँ के आने के कारण समीरा की माँ गुस्से से मानसिक रूप से टूट गई थी और एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से अब तक वो बेजान हालत में थी। उस समय रिया अपनी माँ के साथ उस घर में आई थी। समीरा को उसके पिता ने ट्रेनिंग के नाम पर एक किलर्स के ग्रुप के पास भेज दिया था और उसके बाद से ही वो रावत परिवार के लिए सारे गंदे काम कर रही थी। समीरा यह सब बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ की जान अब उसके पिता के हाथ में थी और अगर वो उनकी बात नहीं मानती तो उसकी माँ को मार दिया जाता। एक साधारण बैकग्राउंड से आने के बाद भी राजदीप खुराना बहुत अच्छा था। हालांकि समीरा हमेशा सचेत रहती थी, पर उस पाखंडी आदमी से वो धोखा खा गई। दूसरी ओर रिया को समीरा की जलन और तकलीफ की कोई खास परवाह नहीं थी। उसने बोलना जारी रखा, पिताजी को पता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद उनका तुम पर कोई कंट्रोल नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर लोगों को तुम्हारे पीछे भेजा ताकि तुम किसी के प्यार में इतना डूब जाओ कि उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओ। लेकिन तुमने किसी भी आदमी पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से उस आदमी को पसंद कर लिया जिससे मैं प्यार करती हूँ, और मुझे रावत परिवार की भलाई के लिए तुम्हारे साथ काम करने के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस करना पड़ा। ये सब कहते समय रिया के चेहरे पर एक उदासी थी। हालांकि वो सिर्फ दिखावा कर रही थी, लेकिन अभी भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बगल में खड़े राजदीप ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेबी चिंता मत करो, हाँ मैं आपसे हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल, तुम्हारे शरीर और दिल पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। अपनी उंगली राजदीप के सीने पर घुमाते हुए रिया ने अपनी कड़ी आवाज में जवाब दिया। वो राजदीप को छेड़ रही थी जिससे उस आदमी का ध्यान भटक रहा था और वो अपने आपे से धीरे धीरे बाहर हो रहा था। अगर वो किसी जरूरी काम के बीच में नहीं होते तो उस वक्त रिया के साथ वो सारी हद पार कर जाता। डिस्गस्टिंग। ये सब देखकर समीरा को दुख से ज्यादा घिनौना महसूस हो रहा था। अगर अभी वो बंदूक के निशाने पर नहीं होती तो इन दोनों को अपने सामने इतना बेशर्म नहीं बनने देती। तुम, समीरा की आवाज़ सुनकर रिया के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन इससे पहले कि वो बहस कर पाती राजदीप ने उसे टोकते हुए कहा, बेबी गुस्सा मत करो, हाँ उसका समय खत्म हो चुका है, उसे उसके शब्दों से स्ट्रगल करने दो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। राजदीप की बात सुनकर रिया ने खुद को शांत किया। यस, यू आर राइट। वैसे भी इतनी शुरुआत से मैं उसे उलझना ही चाहती थी, लेकिन इसे पहले ही अपनी माँ की मौत का पता चल गया। वैसे मैं तो ये मानती हूँ कि इसके अपनी माँ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे, अपनी माँ के लिए ही इसने रावत परिवार और तुम्हें धोखा दिया। कुछ देर बाद रिया ने कहा, समीरा क्योंकि तुमने रावत परिवार के लिए बहुत कुछ किया तो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दूंगी। 1, तुम अकेले नीचे कूद सकती हो, और 2, रिया ने स्माइल करते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथियों के साथ कुछ वक्त बिता सकती हो, भाई आखिर उनके भी कुछ जज्बात हैं, कैसा रहेगा? गुस्से से समीरा ने अपनी मुठियां कस ली थी। अंत में उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। अब उसके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि मरने से पहले वो रिया को आराम से चोट पहुंचा सकती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर वो पकड़ी गई तो उसके सभी बॉडीगार्ड्स उसका रेप कर देंगे, जो कि वो सह नहीं सकती थी। इसलिए समीरा ने रिया और राजदीप को ताना मारते हुए कहा, अगर मैं जिंदा रही तो तुम दोनों का हिसाब जरूर पूरा करूंगी। समीरा के ये शब्द एक श्राप की तरह थे। रिया और राजदीप को इस बात से खतरे का एहसास हुआ कि अगर ये बात किसी दिन सच हो गई तो क्या होगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करते या कहते समीरा गहरे समुद्र में कूद गई। समीरा का शरीर समुद्र की गहराई में डूबता रहा। वो धीरे धीरे बेहोशी में चली गई, लेकिन अचानक उसने अपने सीने पर लटकते जेड पेंडेंट को लाल रोशनी में चमकते देखा और फिर उसके बाद वो पूरी तरह से बेहोशी में चली गई। मुंबई, इस देश में 3rd नंबर का सबसे बड़ा शहर। सेंट्रल हॉस्पिटल के एक नॉर्मल पेशेंट के कमरे में 4 बेड थे, लेकिन केवल दीवार वाले बेड के पास ही एक पेशेंट था। पेशेंट बेड पर एक 17 या 18 साल की लड़की थी। उसके सिर पर पट्टियां लगी हुई थी। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, पर चेहरे पर बहुत सीरियसनेस और उसकी नजरें टीवी पर चल रही न्यूज़ पर टिकी हुई थी। न्यूज़ में दिखा रहे थे कि कल गुजरात के समुद्र में एक महिला की बॉडी मिली थी। मरने वाली की उम्र लगभग 25 वर्ष। जांच से पता चला कि मरने वाली वास्तव में एक बिजनेस स्पाई और किलर थी, जिसका पुलिस आज तक पीछा कर रही थी। अभी भी वो लड़की बहुत सीरियसली समाचार देख रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि कोइंसिडेंटली पहले ही इस लड़की की आत्मा न्यूज़ में दिखाई जाने वाली लड़की के शरीर से बदल चुकी थी। हाँ, समीरा का रीबर्थ हुआ था। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन यही सच था। यहां तक कि समीरा, जिसे अपने अडैप्ट करने की खूबी पर गर्व था, उसे भी इस सच्चाई को स्वीकार करने और उसका सामना करने के लिए एक पूरी सुबह लगी थी। लेकिन जब भगवान ने उसे दूसरी लाइफ दी है तो वो किसी भी हालत में अपने पिछले जन्म का लास्ट प्रॉमिस पूरा करेगी। अगर वो जिंदा रहती है तो वो किसी भी तरह से राजदीप और रिया से बदला लेकर रहेगी। तो राजदीप और रिया, जस्ट वेट एंड वॉच, समीरा वापस आ गई है।
वो उस रावत परिवार के लिए वापस आई थी जिसने उसकी माँ को मारा था और इतने सालों तक उसका इस्तेमाल किया था। समीरा का रीबर्थ 18 साल के दीपिका सिंह के शरीर में हुआ था। वो एक अकेली अनमैरिड महिला की बेटी थी। इस वजह से माँ और बेटी को उसके रिश्तेदारों ने बहुत लंबे समय तक इंसल्ट किया था और दीपिका को हमेशा एक बेकार लड़की कहा जाता था। इसके अलावा स्कूलमेट्स भी उसकी बहुत बेइज्जती करते, अलग थलग रखते, चढ़ाते, जिसकी वजह से दीपिका कमजोर और इंट्रोवर्ट लड़की बन गई थी। दीपिका की माँ मीरा सिंह एक आम कॉलेज वर्कर थी, क्योंकि उनके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ कुछ हजार रुपए ही कमा पाती थी। उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल से चल रही थी। दीपिका मुंबई के हाई स्कूल में पढ़ रही थी। नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ एक सेमेस्टर बचा था। हालांकि दीपिका का पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगता था, इसलिए कॉलेज में उसका एडमिशन होना मुश्किल था। उसके रिश्तेदार उस पर हंसते थे। किसी ने तो दीपिका को इस बात के लिए भी मनाने का नाटक किया कि वो अपनी माँ की भलाई के लिए परीक्षा के बाद रैंडम आदमी से शादी कर ले। जब समीरा ने यह सोचा कि दीपिका हॉस्पिटल में क्यों थी, तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। शायद इसलिए क्योंकि उसे भी ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा था। हॉस्पिटल में आने से पहले दीपिका का एक बॉयफ्रेंड था। उन्होंने 2 महीने तक एक दूसरे को डेट किया था। वो एक स्टूडेंट तरुण को डेट कर रही थी जो कि क्लास का टॉपर था। तरुण एक हैंडसम चुलबुला सा लड़का, पढ़ाई में भी अच्छा था। वो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता टूरिज्म ब्यूरो के हेड थे, जबकि माँ एक हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी। तरुण अधिकारियों का बेटा था। दीपिका ये बात नहीं समझ पाई थी कि इतना अच्छा लड़का उसके पीछे क्यों आया था। और सबसे जरूरी बात यह कि दीपिका ऑलमोस्ट एक साल से तरुण से सीक्रेटली प्यार करती थी। दीपिका को पता था कि उनकी जोड़ी मैच नहीं करती, पर वो उसे मना नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों बाद उसने तरुण का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन कल सब कुछ खत्म हो गया था। कल फ्राइडे था। तरुण ने दीपिका को मिलने के लिए बुलाया। दीपिका को लगा था कि शायद ये डेट होगी, लेकिन वो तरुण को श्रुति के साथ देखकर हैरान रह गई। तरुण ने आते ही दीपिका से ब्रेकअप करने की बात की। दीपिका के अंकल की बेटी श्रुति सिंह उससे 6 महीने बड़ी थी। बचपन से ही श्रुति के माता पिता ने उसके मन में ये बात भरी थी कि दीपिका एक बेकार लड़की है। दीपिका श्रुति से ज्यादा सुंदर थी। शायद इसीलिए श्रुति के लिए दीपिका को चिढ़ाना हमेशा बहुत फनी होता था। दीपिका, तरुण कभी भी तुम्हें पसंद नहीं करता था। वो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमारे बीच एक शर्त लगी थी। मैंने उसे कहा था कि अगर वो तुम्हें 2 महीने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर डंप कर देता है तो मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। इसलिए आपसे तरुण मेरा बॉयफ्रेंड है, श्रुति ने खमंडी लहजे में दीपिका से ऐसा कहा। दीपिका को सदमे से उबरने में काफी समय लगा। उसने तरुण से पूछा, क्या ये सब सच है तरुण? तरुण बहुत नफरत से उसे देख रहा था और उसने तुरंत नापसंदी के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल दीपिका, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा? एक ऐसी लड़की जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर ये श्रुति के लिए नहीं होता ना तो मैं तुम्हारी तरफ एक नजर भी नहीं देखता। यू आर डिस्गस्टिंग। ये सब सुनने के बाद दीपिका बहुत मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी थी। उसे लगा था कि उसका राजकुमार उसे मिल गया था, पर वो तो सिर्फ एक मजाक था। दीपिका ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो शर्म से वहां से भाग गई, लेकिन तभी एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गई। उसके सिर पर बहुत बुरी चोट लगी थी और उसका बहुत खून बह रहा था। वो कार वाला वहां से भाग गया। जब उसे होश आया तो वो समीरा बन गई थी। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये रोमांटिक कहानी स्वरा के साथ। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी, मैं हूँ स्वरा। ठीक उसी समय 2 महिलाओं की आवाजें दरवाजे के बाहर सुनाई दी और समीरा सोचते सोचते रुक गई। ये रहे 30,000, ये मेरी और आपकी बहनों की सारी बचत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दीपिका की सर्जरी के लिए काफी होंगे। ये दीपिका की दूसरी मौसी नैना सिंह थी। आवाज से वो परेशान लग रही थी। कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा, ठीक है, पर आप बड़े भैया से बात क्यों नहीं करती? नैना को खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा कुछ कहा है। मैंने पहले भी फोन किया था, लेकिन बड़े भैया ने कहा कि उनका पैसा उनकी पत्नी के हाथों में रहता है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कह रहे थे कि खराब चल रही है। अब तुम हमारी बड़ी भाभी को तो जानती हो ना, पैसा ही उनकी जिंदगी है। उनसे पैसे उधार लेने से पहले उन्हें मारना पड़ेगा। मीरा थक गई थी। शेखर सिंह उनका सबसे बड़ा भाई, परिवार का सबसे अमीर आदमी, लेकिन सबसे कंजूस भी। ये कहना कि उसका पैसा उसकी पत्नी के पास है सिर्फ एक बहाना था, और मीरा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। ठीक है, तो छोटे भैया का उनके बारे में क्या सोचा? उन्होंने बताया कि उन्होंने एक नया घर खरीदा है और उनके सारे पैसे खत्म हो गए। ये मेरी गलती है कि दीपिका मेरे साथ परेशान हो रही थी। अगर दीपिका ठीक नहीं हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मीरा दुखी और हताश हो गई थी। हालांकि समीरा अब पुरानी समीरा नहीं रही, फिर भी उसके पास उसके प्रोफेशनल स्किल्स थे, इसलिए वो बाहर से आने वाली आवाज़ों को क्लियरली सुन पा रही थी, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों ना हो। उसने अभी जो बातें सुनी थी वो उसके दिल को छू गई। आज सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो इस बात को समझने में बिजी थी कि उसका रीबर्थ हुआ था और वो दीपिका की माँ को इस बात का एहसास दिलाना भूल गई कि उसे होश आ गया था। समीरा को इस बात के लिए काफी बुरा लग रहा था। तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुला। एक ही उम्र की 2 औरतें कमरे में आ गई। दोनों नॉर्मल सस्ते कपड़ों में थी। हालांकि उनके कपड़े पुराने और घिसे पिटे थे, लेकिन साफ सुथरे थे, क्योंकि वो ज्यादा पैसा नहीं कमाते थे, इसलिए वो अपनी स्किन की देखभाल भी नहीं कर पाती थी और वो अपनी असली उम्र से कुछ ज्यादा बड़ी लग रही थी। इस बात पर कोई शक नहीं करेगा अगर वो कहते कि उनकी उम्र 50 साल है। माँ, मौसी, समीरा ने पहले कहा। वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि उसने इस बात को पूरी तरह से मान लिया था कि उसका रीबर्थ हुआ था। सबसे पहले उसने दीपिका की यादों को बनाए रखा, जिसने उसे अपनी माँ के प्यार की याद दिला दी। दूसरी बात, उसे खुद एक माँ की बहुत जरूरत थी। इसी कारण से समीरा ने दीपिका की माँ को अपनी माँ के रूप में तुरंत स्वीकार कर लिया। मीरा ने उसे अपनी माँ के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। उन दोनों को ही एक आदमी ने छोड़ा था, लेकिन मीरा समीरा की माँ की तुलना में लकी रही। उनकी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन मीरा कम से कम जिंदा तो थी। लेकिन जब समीरा या दीपिका ने अपना मुंह खोला तो मीरा और नैना को सरप्राइज हुआ। वो दीपिका को बिस्तर के सिरहाने बैठ देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने कहा था कि समीरा के सिर में खून जमा हो गया था और इसे सर्जरी से हटाना होगा, लेकिन दीपिका अपने आप जाग गई थी। दीपिका, बेटा तुम उठ गई? चौंकते हुए मीरा ने तुरंत कहा। वो तुरंत रोते हुए दीपिका को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी कि अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं ऐसा करने से दीपिका को लग ना जाए, और वो समझने की कोशिश करने लगी कि कहाँ हाथ रखे। दीपिका, बेटा तुम उठ गई? दीपिका, नैना भी थोड़ा आगे बढ़ी। ये अभी भी उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वो खुश थी। माँ, मौसी, मैं जाग गई हूँ, मैं उठ गई हूँ, दीपिका ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे संभालते हुए कहा। हाँ, कितनी खुशी की बात है ना कि तुम आखिरकार ठीक हो गई, तुम्हें होश आ गया। मीरा खुशी से रोने लगी। उसने अपनी बेटी का हाथ जोर से पकड़ लिया कि कहीं वो गायब ना हो जाए। नैना की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। इस तरह के हालात किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए कठिन परीक्षा से कम नहीं होते। मीरा, मैं डॉक्टर को ढूंढती हूँ। हाँ, नैना को समझ आया और वो सीधा भागकर डॉक्टर के पास गई। कुछ देर बाद डॉक्टर भी अंदर आ गए। वो भी इस बात से सरप्राइज थे कि दीपिका जग कैसे गई। ये किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन फिर भी इस बात की सच्चाई को पक्का करने के लिए अच्छे से टेस्ट कराने की जरूरत थी।
इसलिए डॉक्टर ने दीपिका के लिए सारे टेस्ट की तैयारी करा ली थी। टेस्ट के बाद नैना दीपिका के लिए खाना खरीदने गई, जबकि मीरा दीपिका की देखभाल के लिए उसी के पास रुक गई। दीपिका को महसूस हुआ कि उसकी माँ मीरा उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। उसकी माँ की बेजान हालत में आने के बाद से ये पहली बार है जब किसी ने उसका ख्याल रखा था। हालांकि जब वो राजदीप के साथ थी तो उसने कई मीठी मीठी बातें सुनी थी, पर वो सब झूठ था। खाने के बाद नैना दोपहर के काम के लिए चली गई थी। मीरा आज और कल के लिए फ्री थी। कल दीपिका के एक्सीडेंट के बाद उसने इस महीने के बचे हुए 3 दिनों का ब्रेक एक साथ लेने के लिए अप्लाई कर दिया था। मीरा ने कुछ देर दीपिका से बात की और फिर उसे आराम करने के लिए कहा। दीपिका को पता था कि मीरा कल दोपहर से सोई नहीं है, इसलिए उसने अपने पास में पड़े खाली बेड पर सोने के लिए कहा। हालांकि दीपिका अब जाग रही थी और इससे मीरा को बहुत राहत मिली थी, लेकिन वो अभी भी फाइनल रिजल्ट के इंतजार में परेशान थी, इसलिए मीरा आराम करने के लिए अपना मन नहीं बना पा रही थी। पर दीपिका ने जब कहा कि अगर मीरा आराम नहीं करेगी तो वो भी आराम नहीं करेगी, इसलिए आखिर में मीरा को उसकी बात माननी पड़ी। बहुत थकी होने के कारण बेड पर लेटते ही मीरा को नींद आ गई, तो वहीं दीपिका बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी। वो छत पर घूर रही थी और सोच रही थी कि उसके पिछले जन्म में क्या क्या हुआ था। अचानक उसने अपने सिर के पास पैरों की एक जोड़ी को देखा। दीपिका चौंक गई और तुरंत उसने अपना पूरा ध्यान लगाया, लेकिन सफेद छत पर कुछ भी नहीं था। उसने अपने सिर के पास पैरों को क्यों देखा? क्या यह सिर्फ उसका वहम था? दीपिका ने दोबारा छत की तरफ देखा, फिर उसने करवट बदली और पास के बेड पर ध्यान दिया जहां मीरा सो रही थी। बेचारी मीरा, उसकी स्किन बहुत ड्राई थी और आंखों के पास रिंकल्स और डार्क सर्कल्स। मीरा की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उसने कभी भी अपने लिए किसी भी तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स, अच्छा खाना या महंगे कपड़े नहीं खरीदे थे, पर दीपिका को वो हमेशा अपने से ज्यादा अच्छा देने की कोशिश करती थी। किस्मत से दीपिका हमेशा से एक अच्छी बच्ची थी। हालांकि वो इंडिपेंडेंट और इंट्रोवर्ट थी, लेकिन वो कभी भी दूसरों की तुलना नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका परिवार इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। पर अब समीरा ही दीपिका थी, इसलिए अब वो उन्हें गरीब और कमजोर नहीं रहने देगी। इसके अलावा उसे बदला भी लेना था और इसके लिए उसे स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसका भी एक एम्बिशन था, क्योंकि उसका दुश्मन रावत परिवार था। उसे रावत परिवार से ज्यादा पावरफुल होना होगा। वैसे तो रावत परिवार राजधानी में तीसरा सबसे अमीर परिवार था, फिर भी वो अरबों की संपत्ति के साथ एक बहुत ज्यादा हल्का फुल्का परिवार था और देश के तीसरे सबसे बड़े शहर में एक टॉप परिवार कहलाया जा सकता था। पर रावत परिवार की अधिकतर शानदार अचीवमेंट्स समीरा की मेहनत की वजह से थी। समीरा ने रावत परिवार के लिए अनगिनत इलीगल चीजें कर रखी थी। विरोधियों के सीक्रेट डॉक्यूमेंट चोरी करना, लोगों को मारना, ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स ही हैं। लेकिन समीरा ने अपनी सेफ्टी के लिए अपने पिछले जन्म में सभी सबूतों को खत्म कर दिया था। अब उसके पास रावत परिवार पर आरोप लगाने के लिए उन सबूतों को ढूंढना और उनका यूज करना पॉसिबल नहीं था। एक बार फिर दीपिका परेशान थी। उसने एक व्यक्ति को थोड़ी दूर चलते देखा। दीपिका फिर से चौंकी और उसका दिमाग कुछ देर के लिए उसके कंट्रोल में नहीं था। पर वहां कोई नहीं चल रहा था, उसके सामने सिर्फ एक सफेद दीवार थी। क्या ये सच में उसका वहम था? नहीं, एक व्यक्ति के चलने के अलावा उसने पहचाना हुआ सा दरवाजा भी देखा था, जिस पर 106 का नंबर प्लेट लगी थी। कमरा 106, उसके कमरे के पार एक पेशेंट रूम था, पर वो उस दरवाजे को कैसे देख पा रही थी? बिना किसी शक के उसने मान लिया कि अब सिर्फ कोई वहम नहीं था, बल्कि वो सच था। अनजाने में दीपिका ने दीवार के पार देख लिया था। उसने इस पर ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों के सामने की दीवार ट्रांसपेरेंट हो गई। वो पेशेंट रूम 106 के दरवाजे को देख सकती थी और वहां चल रहे पेशेंट, नर्सों और डॉक्टर्स को भी देख पा रही थी। अचानक दीपिका के मन में एक बोल्ड ख्याल आया। क्या यह सिक्स सेंस था? इस ख्याल से दीपिका सुन पड़ गई और फिर उसने गहरी सांस ली। ये पक्का करने के लिए कि एक सिक्स सेंस है या नहीं, दीपिका ने तुरंत अपनी नजर दूसरी दीवार पर टिकाई। वो दीवार भी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो गई और फिर उसने देखा कि कमरे में क्या क्या था, पेशेंट, बेड, इक्विपमेंट्स। अब उसे विश्वास हो गया कि ये सिक्स्थ सेंस है। लेकिन अभी भी दीपिका और सबूत चाहती थी, इसलिए उसने फिर चारों तरफ देखा। अचानक दीपिका को अपनी आंखों में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और फिर वो बेहोश हो गई। सपने में दीपिका ने देखा कि वो समुद्र में कूदने के बाद डूब रही थी और उसके सीने पर लटकते लाल जेड से लाल रोशनी आ रही थी। फिर उसने दूर एक हल्की सी आवाज़ सुनी। एक बूढ़ी आवाज़ ने कहा, ये ब्लड ऑफ फीनिक्स नाम का एक प्राचीन जेड है। फीनिक्स, जिसके पास मरने के बाद अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेने की शक्ति होती है। तुम्हारे गले में लटका हुआ यह जेड फीनिक्स के ब्लड और पृथ्वी की आत्मा से बना है। इसमें जादुई शक्ति है जो तुम्हें अमर बनने या दोबारा जन्म लेने की शक्ति देता है। अचानक अपने सपने से चौंक कर जग गई। क्या हुआ था? दीपिका उलझन में थी और सपने की वो बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। लेकिन क्या वो अपने सपनों की बातों पर इतनी आसानी से विश्वास कर सकती थी? क्या सच था? क्या वाकई में रीबर्थ जैसी कोई चीज़ होती है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिंदगी में कभी कभी कई चीज़ों पर बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ दीपिका के साथ इस वक्त हो रहा था। थोड़ी देर बाद दीपिका को आखिरकार सारी बात समझ में आ गई। ब्लड ऑफ फीनिक्स एक फीनिक्स के ब्लड से बना था, क्योंकि ये प्राचीन चीज़ थी, इसीलिए उसमें जादुई शक्ति थी। इस जेड की वजह से ही उसका रीबर्थ हो पाया था। क्या सच में? पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये रोमांटिक कहानी स्वरा के साथ। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी, मैं हूँ स्वरा। अपनी पिछली लाइफ में उसने कोइंसिडेंटली एक फीनिक्स शेप का लाल जेड लिया था। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, पर दीपिका ने इसे अपने शौक के लिए रख लिया था। लेकिन यह सरप्राइज वाली बात थी कि इस जेड में जादुई शक्ति थी, जिसकी वजह से उसका रीबर्थ हुआ। इसके अलावा ब्लड ऑफ फीनिक्स उसकी आत्मा में एब्जॉर्ब हो गया था, जिससे उसे इस जेड की शक्ति के साथ ही जेड आई की भी शक्ति मिल गई थी। जेड आई की शक्ति मिलने से उसके मन में अब सब कुछ साफ हो गया था। उस शक्ति के साथ दीपिका को सिक्स्थ सेंस और एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी मिल गई थी। सपने में उस आत्मा ने यह भी बताया था कि सूरज और चांद जैसे धरती और आसमान की हजारों रियलिटीज में एक तरह की प्योर एनर्जी होती है, इसी तरह से टेलीपैथिक आई स्पेस भी होता है। ये अभी भी एक तरह का स्टोरेज रूम है, सिर्फ अपनी सोच से कोई भी अपनी आंखों के सामने पड़ी किसी भी कैसी भी मरी हुई चीज को इस टेलीपैथिक आई स्पेस में डाल सकता है। बेशक उन सभी कामों में या जेड आई के यूज में शक्ति लगती है। इसके अलावा जिस इंसान के पास ये शक्ति होना तो वो ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है और चोटों और बीमारियों का इलाज करने के लिए अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। शक्ति बढ़ने के साथ टेलीपैथिक आई स्पेस भी बड़ा होता गया और खुद में और ज्यादा चीजें समाने की क्षमता भी बढ़ती गई, क्योंकि ब्लड ऑफ फीनिक्स एक जेड ही था और उसे भी जेड की शक्ति की जरूरत थी। जेड में नेफ्राइट और जेडाइट होता है। नेफ्राइट्स में क्रिस्टल और कोरल जैसे ट्रेडिशनल रत्न शामिल थे, जेडाइट मुख्य रूप से एमराल्ड्स थे। जब तक इनमें जेड की शक्ति है तब तक ये काम की चीज होगी। पुराना समय हो या नया, जेड हमेशा पॉपुलर और आम था, इसलिए दीपिका के लिए जेड खोजना मुश्किल नहीं था। लेकिन दीपिका को बहुत सारे जेड चाहिए थे और इस बात का उसे अंदाजा नहीं था कि कितने।
इसीलिए दीपिका के पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए स्टोन्स की गैम्बलिंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसे अपने जेड आइस के लिए जेड की शक्ति चाहिए थी, क्योंकि अब उसके पास जेड आइस थी। उसके लिए स्टोन्स की गैम्बलिंग में जीतना बहुत आसान था। सिर्फ स्टोन्स की गैम्बलिंग से ही वो ज्यादा से ज्यादा जेड जीत सकती थी, ताकि उसकी प्योर और मजबूत शक्ति को एब्जॉर्ब कर सके। साथ ही वो इस गैम्बलिंग से पैसे भी जीत सकती थी, और अगर वो पैसे जीतना चाहती थी तो अपनी जेड आइस को दूसरे तरीकों से भी यूज कर सकती थी। एग्जाम्पल के लिए डाइस कब खेलना। सिक्स्थ सेंस का यूज कर आप कभी भी हार नहीं सकते, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल सकता था, क्योंकि हर कैसीनो के अपने नियम थे। यहाँ पैसे जीतने की एक लिमिट थी। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा पैसे जीतता है तो उसका नाम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है, या फिर वो बहुत ज्यादा स्किल्ड होगा। इसलिए अगर पैसे कमाने का कोई और तरीका है तो दीपिका स्टोन्स की गैम्बलिंग तो बिल्कुल नहीं करेगी। एंटीक्स के बहुत यूज थे, बहुत पुरानी हिस्ट्री थी। अगर किसी एंटीक में एसेंस होता है तो ये उसके प्योर होने का सबूत है। एक एंटीक में जितना ज्यादा एसेंस होगा वो उतना लंबे समय से एक्जिस्टेंस में रहा होगा। स्टोन्स की गैम्बलिंग आपको रातों रात अरबपति या भिखारी बना सकती है, और सभी एंटीक्स का एक जैसा ही इफेक्ट होता है। अगर आपको गलती से भी एक ऑथेंटिक स्टोन मिलता है तो आप एक बार में बहुत अमीर हो सकते हैं, वरना आप सारे पैसे हार जाएंगे। लेकिन दीपिका के लिए, जिसके पास जादुई शक्तियां थी, ये केवल प्रॉब्लम्स थी। दीपिका ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसके पास जो जादुई शक्ति थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। अगर वो अभी भी जेड आइस से कुछ हासिल नहीं कर पाती तो वो मर जाएगी, क्योंकि अब दीपिका के लिए पैसे कमाना बहुत आसान था। उसका डर खुशी में बदल गया था। जेड आइस के लिए उसे ये भी मंजूर था। दीपिका बेटा तुम ठीक तो हो? मीरा की परेशान आवाज सुनकर दीपिका का ध्यान वापस आया। उसने मीरा के परेशान चेहरे को देखकर कहा, माँ तुम जग गई? दीपिका को ठीक देखकर मीरा को राहत मिली, लेकिन फिर भी वो थोड़ी परेशान थी। उन्होंने कहा, मैं बहुत देर से जगी हुई हूँ, लेकिन तुम परेशान नजर आ रही हो। मैंने कई बार तुम्हें बुलाया लेकिन तुमने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मुझे लगा कि तुम्हारे दिमाग की दिक्कत शायद फिर से बढ़ गई, तुमने मुझे डराई दिया। मीरा के एक्सप्लेनेशन के बाद दीपिका को थोड़ी शर्म महसूस हुई। वो मैंने बस थोड़ा ज्यादा ध्यान लगा लिया था अपने थॉट्स पर, बस माँ। मीरा ने आगे कुछ नहीं पूछा, वो सिर्फ देखना चाहती थी कि दीपिका ठीक है। बेटा मुझे खुशी है कि तुम जाग रही हो, मैं बस यही चाहती हूँ। लगभग 6 बज गए, तुम बताओ खाना चाहती हो? अभी लेकर आऊँ? माँ मुझे ऐसा कुछ खास नहीं चाहिए, आप खुद भी कुछ ले लो ना, दीपिका ने कहा। मीरा कुछ कहते कहते रुक गई। वो जानती थी कि दीपिका अच्छी लड़की है और महंगे खाने के लिए कभी जिद नहीं करेगी। फिर भी मीरा ने दीपिका के लिए खुद से कुछ अच्छा खाना खरीदने का डिसीजन लिया। मीरा के जाने के बाद दीपिका ने एक्सरसाइज के नाम पर बेड से उतरकर घूमना शुरू कर दिया था, लेकिन वो अपने पेशेंट रूम से कुछ ही कदम दूर पहुंची थी कि सफेद कोट और मास्क में तेजी से चलता एक डॉक्टर उससे टकराया। ठोकर खाकर दीपिका लगभग गिर गई थी। लकीली उसने एक दीवार पकड़ ली थी और अपना बैलेंस बना लिया था। दीपिका को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे लगा कि डॉक्टर शायद जल्दी में होगा और वो जानबूझकर उससे नहीं टकराया था। दीपिका ने उसे माफ करने का सोच लिया, लेकिन जो आदमी उससे टकराया था उसने कोई माफी मांगी नहीं, बल्कि उसने दीपिका को घूरा और वहां से भाग गया। दीपिका एक सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी। इसलिए नहीं कि वो आदमी माफी मांगने की जगह उसे घूर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि दीपिका ने उसकी आंखों में बहुत ज्यादा नफरत देखी थी, और वो नफरत उसके लिए नहीं थी। दीपिका ने पलटकर उस आदमी की तरफ देखा। बड़ा अजीब आदमी था। अचानक दीपिका ने उस आदमी के सफेद कोट के नीचे उसकी कमर पर एक बंदूक छिपी हुई देखी। वो हैरान हो गई, एक डॉक्टर अपने साथ बंदूक क्यों लेकर आएगा? और वो आदमी सादे कपड़ों में घूमने वाली पुलिस की तरह नहीं, बल्कि कोई बदला लेने वाला लग रहा था। हालांकि इसका दीपिका से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी सच जानने के लिए वो पीछे नहीं हट सकती। अगर वो आदमी सच में बदला लेने आया था तो उसके गोली चलाने पर एक मासूम की जान जा सकती थी। इसी ख्याल से दीपिका इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती थी। वो भगवान नहीं थी, लेकिन वो निर्दयी भी नहीं थी। वो जब तक मदद कर सकती थी तब तक मदद करना चाहती थी। उसने एक ऑफिस तक उस सस्पेक्ट का पीछा किया। जब वो ऑफिस में जाने लगा उसी समय एक फीमेल डॉक्टर जो एक सफेद कोट में नहीं थी वहां से बाहर निकल रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसे रोक लिया। दीपिका ने उस सस्पेक्ट की हरकतों पर अपनी नजरें टिका रखी थी। उस फीमेल डॉक्टर को देखते ही सस्पेक्ट ने अपनी बंदूक का निशाना उस पर लगा दिया। सफेद कोट के कारण बंदूक दिख नहीं रही थी, लेकिन फीमेल डॉक्टर का चेहरा अब एक कागज की तरह सफेद था। वो पूरी तरह डर गई थी। फिर सस्पेक्ट ने उसे थोड़ी देर बात की और वो फीमेल डॉक्टर बिना मन के उसके पीछे कुछ दूर तक गई। दीपिका ने तुरंत उनका पीछा किया। वो सीढ़ियों से ऊपर चले गए। गलियारों में कम ही लोग थे क्योंकि उनमें से ज्यादातर लिफ्ट का यूज करते थे। इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। वो सीधा बिल्डिंग के टॉप पर चले गए जहां एक खुली बालकनी थी। सस्पेक्ट, फीमेल डॉक्टर और दीपिका के अलावा बालकनी में और कोई नहीं था। दीपिका उस वक्त अंधेरे में छिपी हुई थी। अब इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी, मैं हूं स्वरा। दीपिका तुरंत इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। उसने थोड़ी देर ऑब्जर्व करने का और सही समय का इंतजार करने का फैसला लिया। सस्पेक्ट ने फीमेल डॉक्टर पर अपनी बंदूक का निशाना बनाया। वो बहुत पास खड़े थे। अगर दीपिका ने सस्पेक्ट को जल्दी नहीं पकड़ा और उसे खतरा महसूस हुआ तो वो गोली चला सकता था, जो कि बहुत बुरा होगा। दीपिका ने बालकनी पर नजर डाली। वहां पर एग्जिट के पास बहुत सारे सामान का ढेर था। दीपिका ने इसका यूज खुद को कवर करने के लिए किया और उनके और पास चली गई। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या चाहते हो तुम? बंदूक के सामने खड़ी फीमेल डॉक्टर कांप रही थी। मैं क्या चाहता हूँ? सस्पेक्ट सिद्धार्थ ने कहा, फिर गुस्से में और बहुत सीरियसनेस के साथ कहा, अर्शी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं क्या चाहता हूँ? मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर अर्शी को दुख हुआ। उसने समझाने की कोशिश की, तुम्हारे करप्ट होने के कारण ये सब हुआ है। एक डॉक्टर होने के बेसिक नियमों को तुमने फॉलो नहीं किया। तुम्हें सीक्रेटली पेशेंट के परिवार से पैसे लिए और एक लाइफ को इग्नोर कर दिया। मैंने तो सिर्फ एक इंसान को बचाया है। चुप रहो, इट्स माय बिजनेस, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। बंदूक पर अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए उसने कहा, अब किसी से मेरे अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफर करवा दो वरना मैं गोली मार दूंगा। अर्शी कांप रही थी। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर कहा, मेरे पास सिर्फ 20 लाख है सिद्धार्थ, और इससे ज्यादा नहीं, मुझे पूरे 50 लाख चाहिए। उस औरत ने मुझे उस पैसे के लिए छोड़ दिया, मैं उसी पैसे से उसे वापस पा लूंगा। सिद्धार्थ पागलों की तरह एक्साइटेड था और उसके गोली मारने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। इसी बीच दीपिका छिपते हुए सिद्धार्थ से सिर्फ 2 मीटर दूर उसके पीछे आ गई थी। सिद्धार्थ को इमोशनली इतना एक्साइटेड देखकर दीपिका चौंक गई थी और उसे इस बात की चिंता थी कि वो गलती से गोली न मार दे। सिद्धार्थ के कुछ गलत करने के पूरे आसार थे। सिद्धार्थ ने आज जो किया वो इलीगल था। भले आज उसे 50 लाख मिल जाए, लेकिन अभी भी उसे कानून से सजा जरूर मिलेगी। उसे अपनी पत्नी को वापस जीतने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा उसकी पत्नी उसके पास वापस आएगी भी नहीं, और वो आदमी जिसने सिद्धार्थ की पत्नी को 50 लाख दिए थे वो जरूर बहुत अमीर आदमी होगा। अगर सिद्धार्थ की पत्नी ने उसे पैसे के लिए छोड़ दिया था तो वो इसके लिए एक अमीर आदमी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। हो सकता है सिद्धार्थ की पत्नी को पैसे की परवाह ना हो, लेकिन सिद्धार्थ अब एक सस्पेक्ट था। वो आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाता और जेल में डाल दिया जाता। अगर सिद्धार्थ की पत्नी ने उसके साथ रहने का फैसला किया तो वो सिद्धार्थ और पैसे दोनों को खो देगी।
दीपिका अब इस बात से परेशान थी कि अर्शी कुछ ऐसा न कहे जिससे सिद्धार्थ को और गुस्सा आ जाए। वो आदमी अपना कंट्रोल खो सकता था और गोली मार सकता था और फिर दीपिका को उसे बचाने का मौका नहीं मिलता। फॉर्चुनेटली अर्शी को पता था कि सिद्धार्थ अभी इमोशनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसने धीमी आवाज में उसे दिलासा देते हुए कहा, सिद्धार्थ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 50 लाख ट्रांसफर कर दूंगी, लेकिन मेरे खाते में अभी सिर्फ 20 लाख है और बाकी पैसों के लिए मुझे अपनी फैमिली को कॉल करना पड़ेगा। अगर वो जिंदा बच गई तो वो 50 लाख जरूर दे देगी। उसे विश्वास था कि पुलिस सिद्धार्थ को बाद में पकड़ सकती है। दीपिका ने कुछ और सोचा, सिद्धार्थ कभी भी अर्शी को नहीं जाने देगा। अगर उसने ऐसा किया तो अर्शी बाद में पुलिस को फोन जरूर कर देगी, इसलिए भले ही सिद्धार्थ को पैसा मिल जाए लेकिन वो इससे बच नहीं सकता। अर्शी की बात सुनकर सिद्धार्थ को थोड़ी राहत मिली। ग्रेट, लेकिन तुम्हें स्पीकर से बात करनी पड़ेगी। हाँ, जरूर। अर्शी ने कांपते हुए अपना फोन निकाला। इतनी देर तक बंदूक पकड़ने के बाद सिद्धार्थ थोड़ा थक गया था। उसने अपने हाथों को थोड़ा लूज किया। ठीक उसी समय दीपिका ने मौके का फायदा उठाया और वो तेजी से सिद्धार्थ की तरफ गई। सिद्धार्थ तैयार नहीं था, इसलिए तुरंत जमीन पर गिर गया। बंदूक पर सही पकड़ ना होने की वजह से वो उसके हाथ से गिर गई और कई मीटर दूर चली गई। ये सब बहुत तेजी से हुआ। अर्शी चौंक गई और उसे पता भी नहीं चला कि उसका फोन जमीन पर गिर गया था। लेकिन ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था। बंदूक के बिना सिद्धार्थ दीपिका के लिए सिर्फ एक ओपोनेंट था। इससे पहले कि वो वापस लड़ सकता, दीपिका ने सिद्धार्थ को बेहोश कर दिया। वो कुछ देर में होश में आ सकता था, इसलिए दीपिका ने उसे एक रस्सी से बांध दिया और उसका मुंह उस पर भी एक कपड़ा बांध दिया। जल्दी से पुलिस को बुलाओ, दीपिका ने अर्शी की तरफ देखा। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। हाँ, अर्शी ने आखिरकार खुद को संभाला और उसे पता चला कि उसका फोन उसके पास नहीं था। कुछ देर बाद उसे पता चला कि उसका फोन जमीन पर गिरा हुआ था। उसने फोन उठाया और इससे पहले कि वो डायल कर पाती उसका फोन बज उठा। उसने कॉलर का नाम देखा और एक ही बार में उत्तर दिया, हाँ पापा। अर्शी कहाँ हो तुम? पापा मैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट की बालकनी में हूँ। अर्शी ने अपने पिता को बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर उसने पूछा, पापा मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए कि नहीं? दीपिका शॉक रह गई। उसे नहीं समझ में आया कि अर्शी ने ऐसा क्यों कहा। वो पुलिस को फोन करने के अलावा और क्या करना चाहती थी? क्या ये कैसे हो सकता है, तुम ठीक तो हो? अर्शी के पिता ने परेशान होकर पूछा। पापा मैं अब ठीक हूँ, अर्शी ने जवाब दिया। अच्छा बेटा मेरा इंतजार करना, मैं अभी वहाँ आता हूँ। और हाँ, अभी पुलिस को मत बुलाओ, अर्शी के पिता ने अर्शी से कहा। अर्शी ने उनकी बात मानी और फोन रख दिया। दीपिका की सुनने की पावर अच्छी थी। अर्शी के पिता ने क्या कहा उसने साफ साफ सुना था और अर्शी के फोन रखते ही दीपिका ने कंफ्यूज होकर पूछा, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुला रही हो? क्योंकि अगर मैंने पुलिस को फोन किया तो पूरे हॉस्पिटल को पता लग जाएगा, सारे लोग परेशान हो जाएंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। दीपिका ने भी सोचा कि ये सही कह रही है, इसलिए वो शांत हो गई। अर्शी ने कहा, लेकिन सिद्धार्थ को पक्का पर्सनली पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा। मैंने पहले ही हमारे बीच की इस बात को रिकॉर्ड कर लिया था और बंदूक पर उसकी गोलियों के निशान भी थे जो कि उसके खिलाफ सबूत भी है। रिकॉर्डेड? दीपिका के मन में अब अर्शी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। इतनी खतरनाक सिचुएशन में होने के बावजूद उसने सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। वैसे मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। अर्शी ने बहुत ईमानदारी से दीपिका को थैंक यू कहा। उसने एक चेक और एक पेन निकाला और उस पर कुछ लिखा और फिर उसे दीपिका को दे दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपका थैंक यू करूं, ये 5 लाख का चेक है, प्लीज इसे ले लो। दीपिका ने चेक को देखा, उसे कुछ समझ नहीं आया। हालांकि उसे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी लेकिन वो चेक लेने के लिए तैयार नहीं थी। उसके अपने प्रिंसिपल्स थे, वो अपने मन से अर्शी को मदद करने आई थी और उसने इसके लिए पैसे नहीं मांगे थे। दीपिका ने पूरे डिटर्मिनेशन के साथ मना किया, मैंने पैसों के लिए तुम्हारी जान नहीं बचाई थी, प्लीज ये चेक वापस ले लो। ये सुन अर्शी सरप्राइज हो गई थी, लेकिन उसे ये नहीं लग रहा था कि दीपिका ने पैसे कम होने की वजह से चेक लेने से मना किया था, बल्कि इसलिए मना किया था क्योंकि वो एक अच्छी औरत है। अर्शी दीपिका को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चेक वापस ले लिया। क्योंकि दीपिका ने उसकी जान बचाई थी, उसके लिए कुछ ना करना भी उसे सही नहीं लग रहा था, इसलिए अर्शी ने चेक वापस रख लिया और एक नेम कार्ड निकाला और उसे दीपिका को दे दिया। अगर तुम चेक नहीं लेना चाहती हो तो चलो हम आज से अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ये मेरा कार्ड है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ भी चाहिए हो तो बिना कुछ सोचे मुझे कॉल कर सकती हो। जब तक मेरे बस में होगा मैं हर मदद करने की कोशिश करूंगी। पैसे की तुलना में नेटवर्क कहीं ज्यादा कीमती था, इसलिए दीपिका ने इस ऑफर के लिए मना नहीं किया। उसने ऐसा लालच की वजह से नहीं किया बल्कि इसलिए किया क्योंकि अर्शी उससे सिर्फ दोस्ती ही करना चाहती थी। अगर उसने फिर से मना किया तो उसे वो घमंड नहीं लगेगी। इसके अलावा उसे दोस्तों और एक नेटवर्क की जरूरत थी। दीपिका ने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, उसे विश्वास था कि एक नेटवर्क उसके बहुत काम आएगा। बेशक वो लोगों को उसके लिए काम करने के लिए नहीं कहेगी, ये पूरी तरह से दूसरे के मन पर डिपेंड करता था। ग्रेट, ये मैं ले सकती हूँ, दीपिका ने बिना कोई बहस किए वो कार्ड अपने पास रख लिया। जैसे ही दीपिका ने वो कार्ड लिया तो अर्शी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम अर्शी है। दीपिका ने भी उसका हाथ पकड़ लिया, तुमसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा, मैं दीपिका हूँ। इस तरह वो ऑफिशियली मिले थे। माफ करना मुझे अब जाना होगा, अगर मेरी माँ को मैं नहीं मिली तो बहुत परेशान हो जाएंगी। प्लीज पुलिस को मत बताना कि मैं ये सब में इन्वॉल्व थी, मैं किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती। इससे पहले कि अर्शी कुछ बोलती दीपिका वापस चली गई। हे, अर्शी ने दीपिका को रोकना चाहा, उसके पास अभी तक उसका फोन नंबर नहीं था, लेकिन दीपिका बहुत तेजी से निकल गई। जब अर्शी सीढ़ियों के पास पहुंची तो दीपिका पहले से ही वहां से जा चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी वहीं था और अर्शी उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने दीपिका को जाने दिया। कुछ देर बाद वहां बालकनी भी कोई दिखाई दिया। वहां सफेद कोट में एक मिडिल एजेड आदमी था, वो लगभग 50 साल का होगा और उसके साथ दो मेल डॉक्टर्स भी थे जिनकी उम्र लगभग 30 साल की थी। अर्शी बेटा तुम ठीक हो? वो मिडिल एजेड आदमी भागकर अर्शी के पास पहुंचा। उसने परेशान होते हुए पूछा, हाँ पापा मैं ठीक हूँ, अर्शी ने जवाब दिया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अर्शी के पिता को ये देखकर थोड़ी राहत मिली कि वो सेफ थी। उसने फिर बालकनी में झांक कर देखा, वहां केवल सिद्धार्थ था जो अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा था और वहां उसके अलावा कोई नहीं था। अर्शी के पिता ने पूछा, वो लड़की कहाँ है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? ओह, उसकी मां परेशान होती इसलिए वो चली गई और वो पुलिस को अपने इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी नहीं जानने देना चाहती थी, वो मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती थी। दीपिका ने जो भी कहा था वो अर्शी ने अपने पिता को बताया। क्या तुमने उसे थैंक यू बोला? अर्शी के पिता ने फिर पूछा। हाँ पापा, मैंने उसे 5 लाख का चेक दिया लेकिन उसने मना कर दिया, फिर मैंने उसे दोस्ती के लिए अपना कार्ड दिया जो कि उसने ले लिया। अर्शी शर्मा के पिता भी हैरान थे और अब वो भी दीपिका के एहसान में थे। अगर दीपिका पैसे ले भी लेती तो भी वो उसे दोषी नहीं ठहराते क्योंकि उसने अर्शी की जान बचाई थी। शर्मा परिवार एहसान चुकाना जानता था, अगर दीपिका ने ज्यादा पैसे मांगे तो वो भी उसे बिना देरी के दे देंगे। मीरा पेशेंट रूम में दीपिका से पहले आ गई थी और दीपिका को वहां ना देखकर वो परेशान हो गई। वो सेब की थैली वहीं रखकर जैसे ही दीपिका की तलाश में पेशेंट रूम से बाहर निकली थी कि तभी दीपिका रूम में वापस आ गई थी। मीरा को पता था कि वो थोड़ा ज्यादा परेशान हो रही थी, इसलिए उसने दीपिका को कुछ नहीं बोला। आज की रात बहुत शांत थी। दूसरी सुबह दीपिका की रिपोर्ट आ गई थी और रिपोर्ट के हिसाब से दीपिका बिल्कुल ठीक थी और हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार। रिपोर्ट देखकर मीरा को बहुत राहत मिली और वो तुरंत घर जाने की तैयारी करने लगी। ठीक उसी समय दरवाजे के पास एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, दीपिका मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। ये अर्शी की आवाज़ थी। अब इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।
पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी। मैं हूँ स्वरा। दीपिका थोड़ा शॉक हुई। कल जो हुआ उसके बाद अर्शी का मिलना अनॉर्मल था और अर्शी के लिए ये पता लगाना भी आसान था कि वो किस कमरे में है, क्योंकि अर्शी उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। कल दीपिका के जाने के बाद अर्शी को लगा था कि दीपिका या फिर उसकी माँ जरूर इस हॉस्पिटल में पेशेंट होंगी, या फिर शायद वो और उसकी माँ यहाँ किसी पेशेंट से मिलने आई होंगी। अगर दीपिका एक पेशेंट थी तो वो इन्फॉर्मेशन डेस्क से पूछ सकती थी। अगर दीपिका की माँ यहाँ एक पेशेंट थी तो उन्हें ढूंढना अर्शी के लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसे दीपिका की माँ का नाम नहीं पता था। अगर वो सिर्फ मिलने आए थे तो अर्शी को उसे ढूंढने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए थी। जब अर्शी काम करने के लिए वापस आई तो इन्फॉर्मेशन डेस्क से गुजरते हुए उसने अपने कोवर्कर से दीपिका नाम की एक पेशेंट के बारे में पूछा। सरप्राइजिंगली वो सही थी, इसलिए वो आज सुबह उससे मिलने आ गई। मिस अर्शी, वेलकम, दीपिका ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। ये आपकी माँ होनी चाहिए, है ना? अर्शी ने मीरा की तरफ देखकर पूछा। हाँ, दीपिका ने जवाब दिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम अर्शी है, मैं दीपिका की दोस्त हूँ। अर्शी ने मीरा को नमस्ते किया। दरअसल अर्शी समझ नहीं पा रही थी कि दीपिका की माँ को क्या बुलाए। मीरा की उम्र लगभग 40 साल की थी, जबकि वो 27 साल की थी। मीरा उससे सिर्फ 10 साल बड़ी थी, और अगर वो मीरा को आंटी कहती तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर उसने मीरा को सिस्टर कहा तो ये भी गलत होगा, क्योंकि उसने कहा था कि वो मीरा की दोस्त थी। दीपिका 18 साल की थी और वो उससे 10 साल छोटी थी। अगर वो दीपिका को उसे आंटी कहने देती है तो दीपिका को ये मंजूर नहीं होगा, और उसे भी नहीं, क्योंकि आंटी कहलाने लायक भी वो बूढ़ी नहीं थी। ये एम्बैरेसिंग उम्र थी। अर्शी सोच रही थी कि काश वो अभी भी 20 की उम्र में होती। अगर वो 20 की उम्र में होती तो वो जवान और आज़ाद होती और उसे अपनी शादी की चिंता नहीं करनी होती। लेकिन अभी उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था तो वो शादी कैसे कर सकती थी? और इसके अलावा वो चाहती थी कि कुछ साल तक वो सिंगल जिंदगी एंजॉय कर सके, इसलिए फिलहाल वो किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। ठीक है, वो बहुत आगे की बात सोच रही थी। हालांकि उसके और दीपिका के बीच 10 साल का अंतर था, लेकिन उसे नहीं लगा कि दीपिका इतनी कम उम्र की लड़की थी, बल्कि उसे ये लगा कि वो एक मैच्योर महिला है। शायद वो जल्दबाजी कर रही थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस अर्शी, मीरा ने अर्शी को नमस्ते कहा। हालांकि वो हैरान थी कि दीपिका खुद से उम्र में इतनी बड़ी औरत की दोस्त क्यों थी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने दीपिका को दोस्त बनाने के लिए फ्रीडम दे रखी थी। वो तो सिर्फ यही चाहती थी कि दीपिका अपने प्रिंसिपल्स याद रखे। ये दीपिका के लिए है। आशा है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अर्शी ने मीरा को एक गिफ्ट दिया। वेरी वेरी थैंक यू मिस अर्शी, मैं नहीं जानती इसके लिए मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं। मीरा थोड़ी शर्मिंदा थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो गिफ्ट सस्ता नहीं था, लेकिन ये गिफ्ट एक दोस्त की तरफ से था, इसलिए उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। वो उसकी काइंडनेस को मना नहीं करना चाहती थी। ये कुछ भी नहीं है, अर्शी ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा ने गिफ्ट को बेड के किनारे रखे टेबल पर रखा और अर्शी को एक कप पानी दिया। थैंक यू सो मच। अर्शी ने पानी पिया और मीरा को धन्यवाद दिया। दीपिका अब तुम कैसी हो? अर्शी ने पूछा। अब मैं ठीक हूँ और यहाँ से वापस जाने के लिए एकदम तैयार हूँ, दीपिका ने जवाब दिया। रियली? अर्शी दीपिका के लिए खुश थी। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, दीपिका ने कहा। कुछ देर बाद अर्शी ने दीपिका और उसकी माँ को हॉस्पिटल से उनके घर छोड़ने के लिए पूछा। मीरा को पता था कि अर्शी इस हॉस्पिटल में काम करती है और वो अर्शी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन अर्शी इंसिस्ट कर रही थी, इसलिए मीरा ने उसकी बात मान ली। बाहर जाते समय अर्शी ने पहले से ही उनके लिए टैक्सी बुला ली थी। अर्शी ने उनके लिए जो किया उसके लिए मीरा उसे जितना भी थैंक यू बोली वो कम था। दीपिका बिल्कुल चैन से थी, लेकिन फिर भी उसने अर्शी की पोलाइटनेस के लिए उसको थैंक यू बोला। आखिरकार दोनों घर में थी। दीपिका और उसकी माँ पुरानी जिले की एक पुरानी गली में रहते थे। घर बहुत ज्यादा पुराना था और ये कह रहा था कि जल्दी से इसे गिरा दिया जाए, इसलिए दीपिका और उसकी माँ ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रहेंगे। ये घर दीपिका के नाना नानी की प्रॉपर्टी थी। 10 साल पहले उनके नाना के गुजरने के बाद उसकी नानी उसके सबसे बड़े मामा शेखर के साथ रहने चली गई। फिर शेखर जब अमीर बन गया तो उसने एक घर अलग खरीद लिया। रमन को भी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी और उनकी तरफ से घर मिल गया। उसके बाद सिंह परिवार की जिंदगी थोड़ी आसान हो गई थी, लेकिन इस पुराने घर को बिना हाउस होल्ड अप्लायंसेस के सिर्फ कुछ बेसिक फर्नीचर के साथ छोड़ दिया गया था। दीपिका को यह जानकर बहुत शौक लगा कि उसका परिवार इतना गरीब था। समीरा ने अपनी पिछली लाइफ में इतना दुखी किसी को नहीं देखा था। किस्मत से दीपिका दुखी नहीं बल्कि सेटिस्फाइड थी, क्योंकि उसे अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार मिलता था। वो जल्दी से जल्दी पैसे कमाना चाहती थी ताकि मीरा एक अच्छी जिंदगी जी सके। पैसा कमाने के बाद दीपिका सबसे पहले एक बड़ा घर खरीदना चाहती थी, फिर मीरा के लिए कुछ अच्छे कपड़े और महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदती। वो चाहती थी कि उसकी माँ अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सके। मीरा एक्चुअली इतनी बुरी नहीं थी, वो सिर्फ 39 साल की थी। अपनी बाकी जिंदगी में उसके पास बहुत कुछ करने को था। 18 साल तक मीरा सिंगल रही थी। मीरा एक्चुअली में बहुत सुंदर थी और उसके कई एडमायरर्स थे, लेकिन वो दीपिका को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराना चाहती थी, इसलिए फिर से शादी करने के लिए रेडी नहीं हुई। हालांकि दीपिका अब बड़ी हो गई थी और अब मीरा के लिए अपनी जिंदगी जीने का और खुश होने का समय आ गया था, इसलिए दीपिका ने फ्यूचर में अपनी माँ के लिए अच्छा आदमी खोजने का डिसीजन लिया। दीपिका के बायोलॉजिकल पिता के बारे में मीरा ने कभी बात नहीं की, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों को भी नहीं पता था कि वो कौन था। दीपिका को सिर्फ ये पता था कि मीरा सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी। मीरा कॉलेज के दूसरे सेमेस्टर में थी जब वो कॉलेज छोड़कर घर वापस आ गई थी। उस समय सिंह परिवार में इस बात पर सभी सरप्राइज थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके परिवार की सबसे सीधी लड़की ऐसा गलत काम कर सकती थी। ये उनके लिए बहुत इंसल्टिंग था। वो सभी लोग मीरा को अबॉर्शन करवाने के लिए कह रहे थे, पर मीरा अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अपने बच्चे को रखने के लिए मीरा ने अपना परिवार छोड़ दिया और बाहर काम करने लगी। वो बहुत मुश्किल समय था उसके लिए। प्रेगनेंसी की वजह से मीरा को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। उस समय नाना ने उसकी देखभाल की। दीपिका के नाना उस समय जिंदा थे और वो अपनी छोटी बेटी मीरा से बहुत प्यार करते थे, इसलिए आखिर में वो मीरा को घर ले आए। जब तक दीपिका के नाना जिंदा थे तब तक वो दीपिका का ख्याल रखते थे और मीरा पैसे कमाने के लिए मेहनत करती थी, क्योंकि मीरा अपने माता पिता के घर में रहती थी, इसलिए उसकी इनकम पूरे घर में यूज होती थी। 10 साल पहले जब दीपिका के नाना की डेथ हो गई थी तो उसकी नानी उसके मामा शेखर के यहाँ रहने चली गई थी। शेखर और अमन मीरा को वो घर देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो मीरा से रेंट मांग ले। दीपिका बेटा पहले तुम आराम कर लो, मैं भी खाना बनाती हूँ। और हाँ, कपड़े बदलना मत भूलना, मैं बाद में सारे कपड़े धो दूंगी। हाँ, मीरा ने कहा। माँ तुम खाना बना लो, कपड़े मैं धो देती हूँ। दीपिका को मीरा के लिए बुरा लग रहा था। वो बहुत पतली थी और उसे देखकर दीपिका को अपने पिछले जन्म वाली माँ की याद आती थी। वो उसके लिए कुछ करना चाहती थी। नहीं नहीं तुम बीमार हो बेटा, मीरा ने मना कर दिया। माँ मैं ठीक हूँ, दीपिका ने कहा। मैंने मना किया ना, मीरा ने गुस्सा होने का नाटक किया। अच्छा ठीक है, दीपिका ने हार मान ली और आधे घंटे बाद खाना बन गया। क्योंकि वो गरीब थे इसलिए खाना भी बहुत सिंपल था। क्योंकि वो आज हॉस्पिटल से वापस आई थी इसलिए घर में नॉनवेज बना था, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता था। खाते समय मीरा बार बार दीपिका की प्लेट में मीट डालती जबकि उसने खुद एक टुकड़ा भी नहीं खाया। ये सब देखकर दीपिका बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। इस समय मीरा को दीपिका से ज्यादा जरूरत थी न्यूट्रिशन की। माँ ये काफी मीट है, प्लीज कुछ आप भी खा लो ना, आज गर्मी भी है और बेहतर होगा कि ये बाकी ना बचे वरना इसमें से बदबू आने लगेगी।
दीपिका ने तुरंत मीरा को मीट के कुछ टुकड़े दिए। मीरा जानती थी कि दीपिका के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसने मना नहीं किया ताकि उसकी बेटी को बुरा न लगे। हालांकि मन में वो दुखी थी, अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने में फेल होने के लिए वो खुद को ब्लेम करती थी। रात के खाने के बाद मीरा ने दीपिका से रिक्वेस्ट की कि वो अपने कमरे में आराम करे। दीपिका आराम करने की जगह बाहर घूमना चाहती थी, वो अपने जेड आइस को यूज करके कुछ पैसे जीतना चाहती थी। दीपिका ने 500 रुपए और अपना आईडी कार्ड रखा और कहा, मां मैं घूमने जा रही हूं, जल्द ही वापस आ जाऊंगी। मीरा परेशान थी क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल से दीपिका वापस आई थी। बेटा तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, तुम अभी हॉस्पिटल से वापस आई हो। डोंट वरी मां, मैं अब ठीक हूं, टहलना और धूप मेरी सेहत के लिए अच्छा है, दीपिका ने जवाब दिया। लेकिन मीरा अभी भी थोड़ी परेशान थी। मां मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही ना, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी, ठीक है? मेरे पास मेरा फोन है, आपको जब भी टेंशन हो आप मुझे फोन कर लेना, दीपिका ने अपनी मां को प्यार से समझाते हुए कहा। अब इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी, मैं हूं स्वरा। आखिर में मीरा ने दीपिका की बात मान ली। ओके फिर तुम जाओ, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है? और कुछ भी प्रॉब्लम होने पर बेटा मुझे फोन कर देना, ठीक है मां? दीपिका ने जवाब दिया और फिर बाहर चली गई। जब दीपिका सड़क पर बाहर आई तो उसने अपने हाथ में सस्ते पुराने फोन को देखा। उसे स्मार्टफोन यूज करने की आदत थी और ये पुराना बटन वाला फोन उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं था। मैं पैसे कमाने जा रही हूं और अपनी मां और अपने लिए एक स्मार्टफोन ले आऊंगी, दीपिका ने अपने मन में सोचा। यहां से कोई भी डायरेक्ट बस नहीं थी जिससे दीपिका एंटीक बाजार तक जा सके, इसलिए उसने कुछ दूर जाकर बस बदलने का डिसीजन लिया। लकीली अभी रश का समय नहीं था, इसलिए उसे अगली बस तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगा। इस बस से उतरकर एंटीक बाजार तक दूसरे बस तक जाने के लिए दीपिका को 300 मीटर तक चलना पड़ा। वहां बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के ज्वेलरी स्टोर्स थे। दीपिका को पास वाली ज्वेलरी स्टोर की खिड़की में एक जेड दिखा जो उसे बहुत पसंद आया। वो उसे देखने अंदर जाना चाहती थी। हालांकि वो जानती थी कि इस शक्ति को कैसे अब्सॉर्ब करना है, फिर भी उसने अभी तक इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी और वो इस फीलिंग को जानने के लिए क्यूरियस थी। लेकिन जब वो दुकान के अंदर गई तो उसने एक महिला की कड़वी आवाज सुनी। वाह, ये तो दीपिका है ना, है कि नहीं? जब तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो तुम एक ज्वेलरी स्टोर में आने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? यस, स्कूल में दीपिका अपनी गरीबी के लिए जानी जाती थी। हालांकि मीरा उसे हर दिन कुछ पॉकेट मनी देती थी, पर ये उसके खाने के लिए काफी नहीं था। लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करती थी और इसलिए अक्सर रात को खाने में ब्रेड से पेट भर लेती थी। इसी तरीके से उसने 500 रुपए बचा लिए थे। जिस लड़की ने अभी दीपिका के बारे में उल्टा सीधा बोला था उसका नाम सलोनी था, वो दीपिका की क्लासमेट थी। क्लास में सलोनी हमेशा दीपिका पर हंसती थी, दीपिका को गाली देना, उसके डेस्क पर कचरा फेंकना और यहां तक कि उसकी बुक्स पर बात कर देने जैसी हरकतें वो करती रहती थी। सलोनी को दीपिका से इसलिए नफरत नहीं थी क्योंकि वो गरीब थी, बल्कि इसलिए क्योंकि दीपिका उससे ज्यादा सुंदर थी। सलोनी जिसे कि सबसे सुंदर स्टूडेंट माना जाता था, वो दीपिका से बहुत जलती थी। दीपिका एक गरीब परिवार की गरीब लड़की, वो सलोनी से ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती थी? उसी उम्र की एक और लड़की सलोनी के पास खड़ी थी, लेकिन दीपिका अकेली थी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो लड़की कौन थी। दुकान में एक साथ सबकी नजरें दीपिका की तरफ मुड़ गई थी। जो पढ़े लिखे थे वो शांत थे, लेकिन घमंडी लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए क्योंकि दीपिका अपने फटे पुराने कपड़ों में आई थी, इसलिए अमीरों को उसके जैसे गरीब के साथ एक जगह पर खड़े होना इंसल्टिंग लग रहा था। लेकिन दीपिका ने सलोनी के अलावा बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया। ये तुम्हारा घर नहीं है, ठीक है? मैं क्यों नहीं आ सकती यहां पर? उसने जवाब दिया। अच्छा तो क्या तुम यहां कुछ भी अफोर्ड कर सकती हो? सलोनी दीपिका पर हंसी और फिर एक्सैजरेट करते हुए कहा, हे भगवान, तुम कुछ चोरी करने का प्लान तो नहीं बना रही हो? उस समय दीपिका पर सभी की नजरें बदल गई, खासकर वहां अलर्ट खड़े एम्प्लॉइज की। उन्होंने सलोनी के मुंह से अभी अभी निकली बातों पर विश्वास कर लिया था। दीपिका को यह सुन गुस्सा आया। उसने कहा, सलोनी तुम्हारे पास इन सब के लिए कोई सबूत तो नहीं है ना, और इस झूठे इल्जाम के लिए मैं तुम पर केस कर सकती हूं। उसकी आंखें बिल्कुल सीरियस थी। तुम? सलोनी पहले दीपिका के लुक से डर गई थी, उसके जवाब से वो चौंक गई थी। पहले इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सलोनी दीपिका के साथ कैसा बिहेव करती थी क्योंकि दीपिका हमेशा शांत रहती थी। सिस्टर अब जाने दो, सलोनी के साथ वाली लड़की को थोड़ा खतरा लगा, वो अभी वहां से निकलना चाहती थी। क्यों? मैं यहीं रहूंगी और देखूंगी कि वो क्या खरीद सकती है, सलोनी ने तेज आवाज में कहा। वो दीपिका के सामने से हटना नहीं चाहती थी। उसकी नजर में दीपिका सिर्फ एक ऐसी गरीब स्टूडेंट थी जिसके पास ना तो पावर थी, ना पैसा, ना सपोर्ट, यानी कुछ भी नहीं। फिर उसने दीपिका को गुस्से में देखा। मेरे यहां आने का ये मतलब नहीं है कि मैं कुछ खरीदना चाहती हूं, दीपिका ने फिर से बहस की। अगर तुम्हें कुछ खरीदना ही नहीं है तो तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, सलोनी ने जोर देकर कहा। मैं पहले एक नजर देखना चाहती हूं और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, दीपिका ने कहा। तुम? अचानक सलोनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पलटकर जवाब कैसे दे। दीपिका उसे इग्नोर कर सीधे आगे बढ़ गई। हालांकि उन अमीर लोगों को गरीब पसंद नहीं थे, लेकिन दीपिका को किसी ने नहीं रोका। जैसा कि उसने कहा था कि वहां आने का ये मतलब नहीं था कि उसे कुछ खरीदना ही था, लेकिन ज्वेलरी स्टोर के सभी एम्प्लॉइज ने अपनी नजरें दीपिका पर टिका रखी थी जैसे वो सच में कोई चोरी करने वाली हो। दरअसल स्टाफ में हर तरफ कैमरास लगे थे और सारी ज्वेलरी मोटे और भारी शीशों में बंद थी, इसलिए उनमें से कोई भी ज्वेलरी चुराना आसान नहीं था। इतने शक के बीच दीपिका को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जेड वाली तरफ गई और उस पर फोकस किया। कुछ देर बाद उसे जेड के ऊपर एक सफेद रोशनी की परत दिखाई दी। ये वही शक्ति थी जिसकी दीपिका को जरूरत थी। हालांकि कोहरा बहुत हल्का था, जिसका मतलब ये था कि वो जेड ज्यादा अच्छा नहीं था। दीपिका को ज्यादा कोई फर्क नहीं लगता था, लेकिन शीशे के अंदर से उसे जेड साफ नहीं दिख रहा था। अगर बीच में किसी चीज की रुकावट ना हो तो वो जेड की शक्तियों को एब्जॉर्ब कर सकती थी। इसलिए दीपिका को हार माननी पड़ी और उसने गहरी सांस ली। सबका ध्यान एक बार फिर उसकी तरफ गया। गरीबों को जेड का एक टुकड़ा भी नहीं मिल सकता, ये सिर्फ पछता सकती है, बेचारी, एक औरत ने कहा। सच में गरीब अपनी पूरी जिंदगी में एक जेड का एक टुकड़ा भी अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरी औरत ने कहा। दीपिका बिल्कुल चुप थी, लेकिन वो लोग इतने श्योर कैसे थे कि वो अपनी पूरी जिंदगी में जेड नहीं खरीद पाएगी? वो अभी के लिए गरीब थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो फ्यूचर में एक महंगी चीज नहीं खरीद सकती थी। दीपिका ने उन दो औरतों की तरफ देखा। वो लगभग 40 साल की थी और देखने में अच्छी लग रही थी। दोनों ने महंगी ड्रेसेस पहन रखी थी, खासकर राइट साइड वाली, उसने अपनी दोनों उंगलियों में 3 अंगूठियां पहन रखी थी, एक हीरे की, एक सोने की और एक जेड की, और उसकी कलाई पर एक सोने का कंगन था जबकि दूसरे पर एक जेड का कंगन। उसके गले में एक चौड़ा प्लैटिनम हार था और उसके सोने के झुमके इतने बड़े थे कि उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता था। ये साफ था कि वो अपने पैसों का दिखावा कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद दीपिका अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर से हंसने लगी। वो औरत गुस्से में आ गई, उसने पूछा, तुम किस पर हंस रही हो? ऑफ कोर्स तुम पर, अगर तुम इतनी अमीर हो तो तुमने ये सस्ता नकली कंगन और जेड क्यों पहन रखा? दीपिका ने साफ जवाब दिया। हाँ, औरत की कलाई और गर्दन में जो कंगन और जेड थे वो सब नकली थे। दीपिका ने उसकी ज्वेलरी की पावर को एब्जॉर्ब करने के बारे में सोचा था, लेकिन वो फेल हो गई थी क्योंकि वो असली ही नहीं थे। दीपिका को लगा कि उस औरत को शायद पता नहीं था कि उसकी ज्यादातर ज्वेलरी असली नहीं थी। उसने तो सिर्फ उस औरत को पलट कर जवाब देने के लिए बातें कही थी। दीपिका ने माना कि वो अब और चुप नहीं रहेगी। क्या कहा तुमने? वो औरत चिढ़ गई। उसे तुरंत एम्बैरेसमेंट महसूस हुई। वो ज्वेलरी उसके पति ने दी थी, जो एक बहुत ज्यादा अमीर इंसान था। वो नकली कैसे हो सकते हैं? और उसके सामने सिर्फ एक गरीब लड़की थी जिसे कुछ भी नहीं पता था। ओ शट अप, तुम्हें जलन हो रही है ना? दीपिका बिल्कुल शांत थी। मानो या ना मानो, हर ज्वेलरी स्टोर में एक ज्वेलरी की कीमत पहचानने वाला होता है। तुम इसे खुद चेक करवा सकती हो, और अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे कुछ और काम करना है। फिर दीपिका वहां से चली गई। तुम? वो औरत दीपिका को वहां से जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके पास खड़ी दूसरी औरत ने उसे रोक लिया। जाने दो ना, गरीब सी लड़की है, हमें उसे दूर ही रहना चाहिए। वो औरत तुरंत रॉयल्टी वाले लहजे में आ गई। उसने दीपिका की पीठ पीछे इंसल्ट करते हुए कहा,
मैं तुम गरीबों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। फिर उसने दोबारा से जेड पर फोकस किया, लेकिन दीपिका की बातें उसके मन में घूम रही थी और वो खुद उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कराना चाहती थी। दूसरी तरफ सलोनी ज्वेलरी स्टोर के एंट्रेंस पर खड़ी होकर दीपिका का इंतजार कर रही थी। अंदर अभी जो कुछ हुआ उसने सब देखा। दीपिका को बाहर जाते देख सलोनी उसे चिढ़ाते हुए कहती है, इजंट इट इंटरेस्टिंग, तुम खुद एक टुकड़ा नहीं खरीद सकती, इसलिए तुम अमीरों से जलती हो ना। अगर तुम अफोर्ड कर सकती हो तो तुम खुद क्यों नहीं कुछ खरीदती, दीपिका ने जवाब दिया। सुनो तुम, सलोनी को इंसल्टेड महसूस हुआ क्योंकि दीपिका की बात में एक पॉइंट था। हालांकि सलोनी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, फिर भी वो अपने दम पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। ज्वेलरी की कीमत कई हजार रुपए थी जबकि उसे सिर्फ कुछ हजार की सैलरी मिलती थी। इसके अलावा वो हर महीने बहुत खर्च करती थी, इसलिए उसके पास ज्वेलरी खरीदने के पैसे नहीं बचते थे। वो आज यहां आई थी क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला था। वो चाहती थी कि बर्थडे के लिए कोई गिफ्ट चुने और उसकी माँ उसके लिए वो खरीद दे। दीपिका ने सलोनी को इग्नोर किया और वो आगे बढ़ गई। हालांकि सलोनी को हारना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो दीपिका को क्या जवाब दे। सलोनी की कजन अवनी खन्ना वहां चुपचाप खड़ी थी ताकि अभी जो कुछ हुआ उसका सारा गुस्सा सलोनी उस पर ना निकाल दे। अवनी ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसके परिवार को सलोनी खन्ना के परिवार के सोर्सेज की जरूरत थी। ज्वेलरी स्टोर से निकलने के बाद दीपिका सीधे एंटीक मार्केट में गई। वहां से बस में एंटीक मार्केट जाने का उसे आधा घंटा लगा। आखिरकार जब वो वहां पहुंची तो लगभग 3 बजे थे। एंटीक मार्केट को पुराना बाजार भी कहा जाता था क्योंकि वहां सिर्फ पुरानी और एंटीक चीजें मिलती थी। ये एंटीक मार्केट कई सालों से फेमस थी और वहां बहुत लोग आते थे जिनमें से अधिकतर मिडिल एजेड आदमी या फिर बूढ़े होते थे। दीपिका को वहां मुश्किल ही कोई यंग इंसान दिखा था, खासकर उसकी उम्र की फीमेल स्टूडेंट्स। हालांकि वहां टीनेजर्स थे लेकिन वो या तो अपने पेरेंट्स के साथ थे या फिर बस ऐसे ही घूम रहे थे, इसलिए वहां घूमती दीपिका पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सड़क के दोनों तरफ कई चीजों के अनगिनत स्टैंड थे। हालांकि असली एंटीक चीजें अभी भी रेयर थी। एंटीक्स और जेड दोनों का बिजनेस बहुत रिस्की था। इस बिजनेस का एक अनकहा रूल था, नो एक्सचेंज और रिफंड। पैसे दो तुरंत मौके पर सामान लो और कोई भी आफ्टर सेल सर्विस नहीं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको असली चीज मिल जाएगी और आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, वरना आप लुट जाएंगे। दीपिका कुछ देर के लिए जेड आइस को यूज करने के बाद थक गई थी और आगे जाने से पहले उसने एक ब्रेक लेने का सोचा। रास्ते में दीपिका को एक भी असली चीज नहीं मिली, इसलिए वो डिसअपॉइंट हो गई। एंटीक मार्केट बहुत समय से वहां पर था, इसलिए यहां उसके लिए कोई असली चीज बची ही नहीं थी। दीपिका को लगा कि एंटीक चीजों से पैसे कमाने के लिए अभी वो बहुत कच्ची थी। हालांकि स्टोन गैम्बलिंग के लिए और भी कई चॉइसेस थी, लेकिन अधिकतर पत्थर बर्मा या फिर उसके आसपास इलाकों से आते थे और वहां अच्छी क्वालिटी के स्टोन्स कम ही थे। वैसे भी एक परफेक्ट स्टोन खोजना आसान नहीं था। मुंबई बर्मा से बहुत दूर था और वहां जाना दीपिका के लिए बहुत महंगा पड़ता। फ्लाइट की टिकट सच में बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन दीपिका और उसकी माँ के लिए ये बहुत ज्यादा था और दीपिका नहीं चाहती थी कि उसकी ये अनोखी ताकत सबके सामने आ जाए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को भी पता चले। हालांकि दीपिका बर्मा जाने के लिए तैयार थी, लेकिन इसके लिए उसके पास कोई अच्छा बहाना नहीं था। दीपिका को मुंबई से भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो अभी भी कुछ खोजने में लगी हुई थी। उसे अगर एक असली जेम भी मिल जाता तो वो उसे लेने के लिए तैयार थी। आखिर में जब दीपिका वापस जाने को तैयार हुई तो उसकी नजर एक बहुत छोटे से स्टैंड पर रखी एक चीज पर पड़ी। एक कंगन 12 ब्लॉक चीनी मिट्टी से बना हुआ था। हर ब्लॉक एक पैर की उंगली जितना बड़ा था। उस पर काफी दाग और गंदगी थी। ये देखने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन दीपिका को उस पर हल्की सफेद रोशनी की एक लेयर दिखी। अब इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी, मैं हूँ स्वरा। अगर उसमें पावर है तो असली होना चाहिए। दीपिका खुश थी, लेकिन उसने वो खुशी अपने चेहरे पर नहीं आने दी। दीपिका स्टैंड पर चली गई। स्टैंड के मालिक ने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो एक टीनेजर थी और साधारण कपड़ों में गरीब लग रही थी। लेकिन दीपिका को कोई परवाह नहीं थी। उसने सीधे कंगन की तरफ इशारा किया, प्लीज ये कितने का है। स्टैंड के मालिक ने कंगन पर एक नजर डाली, फिर उसने अजीब से नजर में दीपिका को देखा। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से ये कंगन नकली था, वो तो उसे फेंकने वाला था, लेकिन अब इसके लिए खरीदार था। उसने तुरंत कहा 50 रुपए। 50 रुपए कोई ज्यादा नहीं थे, लेकिन दीपिका के लिए अभी भी बहुत था। हालांकि दीपिका पैसे कमाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। वो शुरू से ही अपना असली इरादा नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने थोड़ा सा बार्गेन किया। प्लीज थोड़ा सा कम कर दीजिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो 40 रुपए ये इसका आखिरी दाम है, ठीक है, स्टैंड मालिक ने कहा। उसे अभी भी यही विश्वास था कि ये कंगन सिर्फ एक कबाड़ का टुकड़ा था। दीपिका ने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर कहा, अच्छा ठीक है मैं इसे ले लेती हूँ। फिर उसने स्टैंड के मालिक को पैसे दिए। स्टैंड के मालिक ने पैसे लिए और दीपिका को कंगन दे दिया। दीपिका ने कंगन लिया और सीधे असली कीमत पता करवाने एक दुकान पर गई। वो उस दुकान पर कंगन की पहचान करने के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए गई थी। सिर्फ पैसा होने पर वो बाकी काम कर सकती थी। बहुत सारे विजिटर्स के आने पर एंटीक मार्केट में हर महीने एक बड़ा सा मेला लगता था। एक नॉर्मल दिन में कई विजिटर्स आते थे और खरीदारी करते थे, लेकिन कीमतें ज्यादा होती थी क्योंकि ज्यादा डीलर नहीं होते थे। जब दीपिका उस दुकान पर पहुंची तो वहां एंटीक्स को चेक करने के लिए पहले से ही कोई मौजूद था। देखने वाले चारों तरफ खड़े थे। कुछ लोग यहां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खड़े थे, जबकि कुछ रिजल्ट्स के लिए। अगर कोई चीज असली होती तो वो बोली लगाते। वो सारे चेक करने वाले लोग एक्सपीरियंस थे और उस जगह के अपने नियम थे। अगर कोई चीज नकली होती तो वो इसके लिए पैसे नहीं लेते थे, लेकिन अगर कोई चीज असली निकलती थी तो लोगों को उसके लिए पैसे देने पड़ते थे। अगर साइट पर कोई एंटीक बिकता था तो उसके लिए पैसे ज्यादा देने पड़ते थे। नियम काफी ठीक थे। दीपिका वो कंगन चेक कराने के बाद उसके काउंटर पर चली गई। वहां जांच के बीच एक चेक करने वाला था। ये एक डेलिकेट स्नफ बॉटल थी जो देखने में असली लग रही थी। दीपिका ने अपनी जेड आइस का इस्तेमाल किया। उसने उसके पास कोई कोहरा नहीं देखा। इसका मतलब वो डेलिकेट स्नफ बॉटल नकली थी। ये नकली है? रिजल्ट आने में लगभग 10 मिनट लगे। क्या ये नकली है? भीड़ में से एक शॉक्ड आदमी की आवाज आई। वो आदमी हैरान था। इम्पॉसिबल, ये नकली कैसे हो सकता है? क्या तुम मुझ पर सवाल कर रहे हो? चेक करने वाले आदमी को ये पूछताछ होने पर खुशी नहीं हुई। उस आदमी ने समझाया, नहीं नहीं, लेकिन ये मेरे दादाजी से लेकर मेरे पिता तक और अब मेरे लिए एक विरासत है। मैं इसे नकली नहीं मान सकता। सेंटर के बाकी लोगों ने अपनी हमदर्दी दिखाई। भाई भले ही ये एक विरासत है, फिर भी वो नकली तो हो सकता है ना? शायद आपके दादाजी ने गलती की थी। ये बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरों ने भी हाँ में हाँ मिला दी। पर वो आदमी खुश नहीं था। वो अपनी विरासत के साथ तेजी से वहां से निकल गया। उसे विश्वास था कि वो जरूर एक असली एंटीक है और वो उसे बेचना चाहता था, लेकिन वो तो नकली निकला। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें नकली निकली, लेकिन कोई भी ज्यादा निराश नहीं था क्योंकि ओनर्स ने उन एंटीक आइटम्स के लिए ज्यादा पैसे नहीं दिए थे। हाय, क्या तुम मेरे लिए इस कंगन को चेक कर सकते हो? अब दीपिका की बारी थी। उसने जो कंगन खरीदा था वो उसने उस आदमी को दे दिया। दीपिका को देखकर भीड़ में डिस्कशन बढ़ गया। अरे इसे ये गंदी चीज कहां से मिली? ये तो बहुत ही गंदा दिख रहा है। ये लड़की जरूर पैसे के लिए पागल होगी, ये तो साफ साफ नकली दिख रहा है। दूसरों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। दीपिका ने उन सभी को इग्नोर किया और उसने अपने मन में सोचा कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि चेक करने वाले आदमी को ये विश्वास था कि वो कंगन नकली है,
लेकिन फिर भी उसने अपना काम किया। जब उसने उस गंदे कंगन को हाथ में लिया तो उसे पहली नजर में इससे नफरत हो गई थी। हालांकि जब वो नैपकिन से दाग साफ कर रहा था तो कंगन का असली रंग दिखाई देने लगा। वो रैंडम ऑर्डर में सफेद और नीला था और उसकी बनावट चीनी मिट्टी की थी। वो आदमी थोड़ा सा चौंक गया। उसे लगा कि ये सिर्फ एक नए तरीके का आर्टवर्क था। पुराने समय में कंगन बनाने के लिए कोई भी चीनी मिट्टी यूज नहीं करता था, लेकिन क्योंकि उसने काम शुरू कर दिया था इसलिए उसने इसे खत्म करने का फैसला किया। फिर वो कंगन साफ करता रहा और थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब लगा। दूसरों ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, क्या ये असली है? अपने काम पर फोकस करते हुए वो चुप रहा। कुछ देर बाद कंगन साफ था और चमकदार दिख रहा था। अब सभी को पता लग गया था कि कंगन चीनी मिट्टी से बना था। उन सभी को विश्वास था कि वो नकली होगा, क्योंकि पुराने समय में चीनी मिट्टी से कंगन बनाने के बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना था। वो एक नए तरीके का आर्टवर्क होना चाहिए था, जबकि उस आदमी ने कुछ और ही सोचा। अब वो हैरान और बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। ये कंगन लोदी और तुगलक डायनेस्टी के नीले और सफेद चीनी मिट्टी से बना है, उसने अचानक कहा। क्या सच में? सब लोग चौंके। लोधी और तुगलक डायनेस्टी के नीले और सफेद चीनी मिट्टी से बना कंगन, फिर क्या वो असली था? हालांकि लोधी और तुगलक राजाओं के समय पर नीले और सफेद चीनी मिट्टी से बनी चीजों की कीमत इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी सूरी डायनेस्टी के समय पर थी। अचानक सभी ने दीपिका को जलन से देखा। इसकी बजाय दीपिका बिल्कुल शांत थी, जिससे लोगों को और सरप्राइज हुआ कि वो पहले से ये बात जानती थी। असल में दीपिका सिर्फ ये जानती थी कि वो असली था, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि वो असल में क्या और कहां से था। ये लोधी और तुगलक डायनेस्टी के नीली और सफेद चीनी मिट्टी से बना है। मुझे ऐसा लगता है कि असली आइटम टूट गया था जिसके बाद किसी ने इसे कंगन में बदल दिया, वरना कोई भी जानबूझकर एक कंगन बनाने के लिए इतने कीमती नीले और सफेद चीनी मिट्टी के आइटम को नहीं तोड़ेगा। ये लड़की, तुम्हें ये कंगन कहां से मिला? किसी ने पूछा। मैंने इसे एक नॉर्मल स्टैंड से खरीदा, दीपिका ने सच बताया। क्या तुमने इसे एक्सीडेंटली उठाया? कितनी लकी लड़की है, सब लोग मान गए। ये लड़की, क्या तुम इसे बेचना चाहोगी? मैं तुम्हें 30,000 दूंगा। सूट में खड़े एक मिडिल एजड आदमी ने बिना किसी देरी के बोली लगाई। 30,000? आर यू किडिंग? मैं तुम्हें 50,000 दूंगा इसके लिए। 60,000? एक और आदमी बोला। 70,000? 80,000? 120,000? लोधी और तुगलक राजवंश के नीले और सफेद चीनी मिट्टी के बने एक कंगन के लिए 120,000 बहुत ज्यादा थे। दीपिका भी शॉक थी। वो पहली बार कोई एंटीक आइटम बेच रही थी। वो जानती थी कि एंटीक चीजें कॉस्टली होती हैं, लेकिन 120,000 सुनकर वो भी सरप्राइज थी। उसे लगा था कि इसके लिए 40,000 काफी होगा, क्योंकि इस कंगन की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। ये बहुत कॉस्टली नहीं होगा, क्योंकि इसकी सिर्फ एक शॉर्ट हिस्ट्री थी। उसके पिछले लाइफ में दीपिका के लिए 120,000 कुछ भी नहीं था, लेकिन इस लाइफ में ये बहुत ज्यादा पैसे थे उसके लिए। आखिरकार दीपिका ने उस कंगन को 120,000 में बेच दिया। हर कोई शॉक था कि कैसे वो कंगन 120,000 में जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सपर्ट्स को पता था कि मार्केट में इस कंगन की वैल्यू इससे कहीं ज्यादा थी। भले ही वो किसी टूटी हुई चीज से बना हुआ हो, लेकिन लोधी और तुगलक राजवंश के नीले और सफेद चीनी मिट्टी से बना एक कंगन बहुत एक्सपेंसिव था। आजकल इस सफेद और नीली चीनी मिट्टी से बनी एक प्लेट की वैल्यू कई लाख रुपए थी, और मार्केट में इस कंगन की वैल्यू 2 लाख रुपए से कम नहीं होगी। हालांकि दीपिका एक्सपीरियंस नहीं थी और उसे नहीं पता था कि एक्चुअली ये कंगन कितना वैल्यूबल था, लेकिन उसे कोई पछतावा भी नहीं था। अभी उसे पैसों की जरूरत थी और उससे ज्यादा उसके पास ज्यादा मोटी रकम देने वाले खरीदार का वेट करने का समय नहीं था, और उस पर उसे इस कंगन को मार्केट में लाने का तरीका भी नहीं पता था। एंटीक मार्केट में एक फिक्स बैंक था और अपने पैसे पाने के लिए उस बैंक में जाना जरूरी होता था। दीपिका के पास बैंक कार्ड नहीं था, उसके पास सिर्फ एक आईडी कार्ड था जो कि एक बैंक कार्ड की तरह यूज हो सकता था। जब उसे पैसे मिले तो उसने खरीदार को कंगन और चेकर को सर्विस फी ट्रांसफर कर दी। सर्विस फी 100 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक हो सकती थी, ये तो बेचने वाले पर डिपेंड करता था। दीपिका ने जो कमाया था वो एंटीक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए उसे केवल 2,000 रुपए अगर देती तो भी चल जाता, लेकिन दीपिका जेनरस थी इसलिए उसने चेकर को सीधे 10,000 रुपए दे दिए। बैंक से निकलने के बाद दीपिका को लगा कि उसे टारगेट किया जा रहा था। एंटीक स्ट्रीट पर हर तरह के लोग आते थे, इसलिए ये जगह सेफ नहीं थी। ये बिल्कुल नॉर्मल था कि इतने सारे पैसे कमाने के बाद वो किसी का टारगेट बन गई थी। दीपिका ने खुद को शांत किया और बिना किसी देरी के वो तुरंत एंटीक स्ट्रीट से निकल गई। दीपिका के एंटीक स्ट्रीट से निकलने के कुछ देर बाद ही बहुत देर से उसका पीछा करने वाले कुछ लोग उसे रोकने के लिए उसके सामने खड़े हो गए। 20-22 साल के 4 गुंडों ने दीपिका को घेर लिया। आसपास खड़े बहुत से लोग डर कर वहां से भाग गए और कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अपने सारे पैसे हमें दे दो वरना मैं तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा, भूरे बालों वाले उन गुंडों के लीडर ने दीपिका को धमकी दी। अच्छा कैसे? दीपिका ने पलटकर पूछा, जैसे उसे धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दीपिका के शांत रहने पर उन गुंडों को बहुत सरप्राइज हुआ। उसे डर नहीं लग रहा क्या? क्या वो नाटक कर रही थी? क्या उसे लग रहा था कि कोई उसकी मदद करने आएगा? वो गुंडे इस एरिया के काफी फेमस गुंडे थे, इसलिए किसी ने भी इन्वॉल्व होने की हिम्मत नहीं की। सुनो, ये उम्मीद मत करना कि कोई तुम्हारी यहां पर मदद करेगा। मैं एक बात बता दूं तुम्हें, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। चलो अब सारा पैसा मुझे दे दो। भूरे बालों वाले आदमी ने एक बार फिर धमकी दी। दीपिका को पता था कि उसकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि सारे लोग वहां से भाग गए थे, पर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी। अगर तुम्हें ये पैसे चाहिए तो तुम खुद ले लो, दीपिका ने उसे चैलेंज किया। तुम? वो गुंडे तुरंत चिढ़ गए। मारो मारो इसे, काले बालों वाले आदमी ने ऑर्डर दिया। फिर दीपिका को पकड़ने के लिए 2 गुंडे उसकी तरफ भागे, लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाते दीपिका ने एक आदमी को पेट में किक मार दी और वो तुरंत जमीन पर गिर गया। फिर दीपिका तुरंत दूसरे आदमी की तरफ घूमी और उसे पंच मारा, वो भी तुरंत गिर पड़ा। बाकी दोनों गुंडे शॉक में थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़की ऐसा कुछ कर दिखाएगी। अचानक पास से गुजरते हुए एक लड़के ने भूरे बालों वाले आदमी पर हमला किया, वो आदमी तुरंत नीचे गिर गया। अब वहां सिर्फ एक अकेला आदमी बचा था और वो बिना कोई डायरेक्शन देखे वहां से भागा और एक पोल से टकराकर जमीन पर गिर गया। दीपिका ये फनी सीन देखकर जोर से हंस पड़ी। तभी जिस लड़के ने भूरे बालों वाले गुंडे पर हमला किया था वो भागकर दीपिका के पास आया और एक्साइटमेंट में कहता है, दीपिका क्या सच में तुम हो? मुझे लगा कि मैं गलत था। वाओ, यू आर सो गुड, और तुमने कितनी आसानी से उन 2 गुंडों को हरा दिया। दीपिका इस लड़के को जानती थी, वो उसके हाई स्कूल में सीनियर था और उसका नाम था साहिल चौहान। साहिल लगभग 5 फुट 11 इंच लंबा था और बहुत हैंडसम। दीपिका और साहिल अलग अलग क्लासेस से थे। वो जानती थी कि साहिल तरुण का क्लासमेट था और वो अच्छे दोस्त भी थे। साहिल को उसके और तरुण के रिलेशनशिप का सच भी पता था, लेकिन साहिल अपने बाकी दोस्तों से अलग था। वो एक ईमानदार लड़का था और उसने चुपके से ये भी बताया था कि तरुण उसका मिस्टर राइट नहीं है। लेकिन उस समय दीपिका तरुण से बहुत प्यार करती थी, वो किसी की बात नहीं सुनती थी, इसीलिए दीपिका तरुण की बहुत इज्जत करती थी। थैंक यू सो मच साहिल, दीपिका ने मुस्कुराकर साहिल को मदद के लिए थैंक यू बोला। हालांकि वो अकेले ये सब हैंडल कर सकती थी, लेकिन साहिल ने सच में उसकी मदद की थी, इसलिए उसको थैंक यू तो बोलना ही चाहिए था। दीपिका एक खूबसूरत लड़की थी, वो ऑर्डिनरी इसलिए लग रही थी क्योंकि उसने अपने लुक्स पर ज्यादा टाइम नहीं लगाया था। दीपिका की स्माइल देखकर साहिल शर्मा गया। यू आर वेलकम, वैसे तो मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की है, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वो तुम्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचा सकते थे। दीपिका के सामने साहिल थोड़ा सा शाय था। जो भी हो, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, दीपिका ने कहा। अचानक साहिल को कुछ जरूरी याद आ गया। उसने हैरानी में दीपिका की ओर देखा और कहा, ओह मैंने सुना फ्राइडे को तरुण ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और फिर तुम्हारा एक कार एक्सीडेंट हो गया था।
अब कैसी हो तुम? साहिल दीपिका की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, वो दीपिका की बहुत केयर करता था, लेकिन वो वहां पर प्रेजेंट नहीं था इसलिए उसने इसके बारे में सिर्फ सुना था। उसके हिसाब से तरुण की गलती थी, लेकिन उसे अपने दोस्त के पर्सनल रिलेशंस में घुसने का कोई हक नहीं था। मैं हूं स्वरा, अब इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी, मैं हूं स्वरा। दीपिका के एक्सप्रेशंस थोड़े बदल गए, लेकिन साहिल के कारण नहीं। वो जानती थी कि साहिल उसकी केयर करता है, इसलिए दीपिका ने मजाक करते हुए उससे पूछा, मुझे देखकर लगता है कि मैं ठीक नहीं हूं? साहिल बिल्कुल शांत हो गया था, दीपिका बिल्कुल ठीक थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ था, वरना वो दो लोगों की पिटाई नहीं कर पाती। दैट्स ग्रेट, और अब तुम भी जानती हो कि वो आदमी कैसा है। तो साहिल ये बताना चाहता था कि अब तरुण के बारे में वो कोई उम्मीद न रखे, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये सबसे उसका क्या लेना देना, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैंने पहले ही तरुण के बारे में सोचना बंद कर दिया है। दीपिका जानती थी कि साहिल के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। चलो, सुन के अच्छा लगा, साहिल को राहत मिली। साहिल एक्चुअली दीपिका से प्यार नहीं करता था, उसे सिर्फ एक सीधी सी लड़की को परेशान होते देखकर बुरा लगता था। काफी देर हो गई, अब मुझे घर जाना चाहिए। हाँ, दीपिका ने कहा। हाँ हाँ जरूर, बाय बाय, साहिल ने जवाब दिया, क्योंकि दीपिका ने आज बहुत पैसा कमाया था इसलिए उसने घर जाने के लिए टैक्सी ली। दीपिका पहले एक स्मार्टफोन खरीदना चाहती थी, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि मीरा परेशान हो, इसलिए वो सीधे घर को निकल गई। जब वो रास्ते में थी तो मीरा ने उसे कॉल भी किया, और उसके बाद वहां से घर पहुंचने में दीपिका को 20 मिनट और लगे। बस के कंपैरिजन में टैक्सी वाला रास्ता छोटा और तेज था, दीपिका सिर्फ 40 मिनट में घर पहुंच गई। बस से इसका डबल टाइम लगता। जब दीपिका अपने घर पहुंची तो लगभग शाम के 6 बज रहे थे। मीरा ने पहले ही डिनर तैयार कर लिया था। आज नैना अपने परिवार के साथ यहां आई हुई थी। वो दीपिका से मिलने आए थे क्योंकि वो अभी अभी हॉस्पिटल से जो आई थी। दीपिका के मौसा का नाम सतीश था और उसकी कजन शिल्पा। दीपिका आ गई। दीपिका के आते ही सतीश और नैना ने उसका वेलकम किया। मौसा, मौसी, शिल्पा, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, दीपिका ने कहा। तुमसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा दीदी, शिल्पा ने कहा। वो थोड़ी सी शर्मीली लड़की थी। शिल्पा अभी सिर्फ 12 साल की थी और काफी शांत लड़की थी। लकीली वो पुरानी दीपिका की तरह इंट्रोवर्ट नहीं थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी और उसके बहुत सारे दोस्त थे। पूरे सिंह परिवार की यंग जनरेशन में शिल्पा सिर्फ दीपिका को पसंद करती थी, बाकी सबको वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो कैसे हैं। सतीश 45 साल का था और नैना से सिर्फ 2 साल बड़ा, लेकिन वो अपनी असली उम्र से ज्यादा बड़ा दिखता था। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ट्रक ड्राइवर का काम करता था। हर महीने सतीश कुछ हजार रुपए कमा लेता था। नैना की सैलरी मिलाने के बाद वो दीपिका और उसकी माँ से अच्छी जिंदगी जी रहे थे, या कह सकते हैं एक बेहतर तरीके से जी रहे थे। हालांकि नैना का परिवार अभी भी टाइट बजट में रहता था। वो खुद का घर नहीं खरीद सकते थे और एक रेंटेड अकोमोडेशन में रहते थे। मुंबई देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर, लेकिन घर की कीमत कम नहीं थी, खासकर शहर के बीच वाले एरियाज में। यहाँ तक कि छोटे शहरों में भी पूरे परिवार के रहने के लिए एक घर खरीदना हो तो हजारों क्या लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। सतीश के पेरेंट्स की बहुत पहले डेथ हो गई थी, इसलिए उसे उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शिल्पा की पढ़ाई और रेंट के खर्चों के बाद उसके पास सेविंग्स के लिए पैसे नहीं बचते थे, इसलिए घर खरीदने के लिए लाखों रुपए जोड़ना उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। लेकिन जब तक उनके पास खाने के लिए खाना था, पहनने के लिए कपड़े और उनकी बेटी स्कूल जा सकती थी, वो खुश थे। भले नैना का परिवार एक टाइट बजट पर था, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो हमेशा मीरा की मदद करते थे। जब दीपिका हॉस्पिटल में थी तो बाकी सिंह परिवार ने इग्नोर कर दिया था। यहाँ तक कि जब मीरा ने उन्हें पैसों के लिए कॉल किया था तो उन सब ने मना कर दिया। सिर्फ नैना और सतीश ही दीपिका से मिलने आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने दीपिका की सर्जरी के लिए मीरा को अपनी सारी सेविंग्स भी दे दी। किस्मत से दीपिका बिना सर्जरी के बिल्कुल ठीक हो गई थी। दीपिका ने मीरा को ये नहीं बताया कि उसने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। वो तब तक का इंतजार करना चाहती थी जब तक कि वो एक अच्छा सा घर अफोर्ड कर सके, और वो नैना के परिवार को हमेशा याद रखेगी। जब वो फ्यूचर में अमीर बन जाएगी तो एक अच्छी सी जिंदगी जीने में उनकी मदद जरूर करेगी। ये ख्याल आते ही दीपिका ने कहा, माँ, मौसी, मौसा, मैं प्रॉमिस करती हूँ जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी ना तो आप सब एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। दीपिका की बात सुनकर हर कोई हैरान था। ये बात कितनी सच होगी कितनी नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर वो इस बात से खुश थे कि दीपिका उनकी इतनी केयर करती थी। दीपिका अभी कॉलेज में जाने वाली थी और उसके फ्यूचर के बारे में अभी कोई कुछ नहीं कह सकता था। बहुत अच्छे, हम उस दिन का इंतजार करेंगे। दीपिका, हमें पूरा विश्वास है कि तुम जरूर एक दिन सक्सेसफुल होगी। बिल्कुल, हम सबको तुम पर विश्वास है। नैना और सतीश इमोशनल हो गए थे और साथ ही उन्होंने दीपिका को इनकरेज किया। मीरा को तब पता चला कि दीपिका कुछ बदल गई है। अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट थी क्योंकि वो सब एक दूसरे को प्यार करते थे, इसलिए उस दिन उन सबने साथ में बहुत एंजॉय किया। सोने से पहले बेड पर लेकर दीपिका ने पढ़ने के लिए अपनी नोटबुक निकाली। हालांकि दीपिका अपनी पिछली लाइफ में अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं। इस लाइफ में दीपिका के लिए कॉलेज में एडमिशन मुश्किल था, इसलिए दीपिका को पढ़ाई में बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी लगानी पड़ती थी। उसने अपनी नोटबुक खोली और उसमें लिखी लाइंस पढ़ने लगी। सारी चीजें उसे बहुत अच्छे से याद हो रही थी। जे डाइस सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। अगले दिन मंडे था। मीरा ने पहले ही दीपिका के प्रिंसिपल को कॉल करके उसके एक्सीडेंट के कारण कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली थी। हालांकि दीपिका ठीक थी, फिर भी मीरा चाहती थी कि वो कुछ दिन और घर पर रहे, पर दीपिका कुछ और चाहती थी, वो स्कूल जाना चाहती थी। आखिरकार मीरा मान गई। दीपिका कल ही सलोनी से मिली थी और वो नहीं चाहती थी कि उसे प्रिंसिपल को ये पता लगे कि वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी वो स्कूल नहीं आ रही थी। दीपिका को किसी चीज की टेंशन नहीं थी, वो तो बस किसी और प्रॉब्लम में नहीं पढ़ना चाहती थी। पहली क्लास सुबह 6:50 पर थी। बस से अपने स्कूल जाने में दीपिका को लगभग 20 मिनट लगे। दीपिका हमेशा रोज सुबह 6 बजे उठ जाती थी। मीरा 8:30 काम पर गई क्योंकि फैक्ट्री ज्यादा दूर नहीं थी। मीरा को फैक्ट्री पहुंचने में आधा घंटा लगता था, इसलिए वो सुबह 7:40 पर घर से निकल गई। इसी कारण दीपिका कभी भी घर पर ब्रेकफास्ट नहीं करती थी ताकि मीरा थोड़ा और सो सके। वो तीनों टाइम स्कूल में खाती थी। आखिरी क्लास खत्म होने पर वो घर चली गई। दीपिका को हर हफ्ते 100 रुपए मिलते थे पॉकेट मनी के तौर पर। वो बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन दीपिका के लिए बहुत कुछ थे। जब दीपिका घर से निकली तो मीरा ने उसे 100 रुपए दिए। हालांकि दीपिका के पास अब बहुत पैसा था, पर वो नहीं चाहती थी कि अब किसी और को इसके बारे में पता लगे। उसने हमेशा की तरह मीरा से पैसे ले लिए। दीपिका ने बस नहीं ली बल्कि रनिंग करते हुए अपने स्कूल गई, क्योंकि दीपिका की हेल्थ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी और उसे एक्सरसाइज की जरूरत थी। तो उसने डिसाइड किया कि अब से वो रनिंग करते हुए स्कूल जाएगी। हाँ, बारिश के दिनों को छोड़कर। मुंबई का सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एक नॉर्मल हाई स्कूल था। मुंबई में 5 अच्छे हाई स्कूल थे, सिर्फ सेंट थेरेसा हाई स्कूल ही बेस्ट था और बाकी सब कॉमन थे। दीपिका आधे घंटे रनिंग करके अपने स्कूल पहुंची थी। वो एक्चुअली में वीक थी, आधे घंटे की रनिंग से वो काफी थक गई थी। वो स्ट्रांग होना चाहती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसे अपने गोल तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा, इसलिए वो खुद पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना चाहती थी। अपने हर कदम को वो धीरे धीरे पूरा करना चाहती थी। दीपिका घर से जल्दी निकली थी, इसलिए वो पहली क्लास से 20 मिनट पहले पहुंच गई, और पहुंचते ही उसने सोचा कि पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूं। उसने जाकर कैंटीन से अपना ब्रेकफास्ट खरीदा और वापस आते हुए रास्ते में खत्म कर दिया। दीपिका जैसे ही दीपिका टीचिंग बिल्डिंग में आई, एक मेल आवाज ने उसे हल्के से बुलाया। दीपिका को थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि वो जानती थी कि आवाज किसकी थी। ये तरुण था। उसने पलट कर देखा
वो सच में तरुण ही था। तरुण लगभग 5 फुट 1 इंच लंबा था और उसने एक सफेद टी शर्ट और जींस पहन रखी थी। बहुत हैंडसम लड़का था और इसलिए लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर। लेकिन उसने दीपिका के साथ जो किया वो बहुत शेमलेस था। क्या दीपिका इमोशनलेस रही, जैसे वो लड़का उसके लिए सिर्फ एक अजनबी था। एक्चुअल में यही सच था। हालांकि उसके पास दीपिका की सारी मेमोरीज थी, लेकिन वो तो समीरा थी ना। मीरा और नैना के परिवार को छोड़कर बाकी सभी दीपिका के लिए अजनबी थे। यहां तक कि सिंह परिवार के उन सभी रिश्तेदारों की उसे कोई फिक्र नहीं थी। तरुण के कारण ही दीपिका की मौत हुई थी, लेकिन दीपिका का अब रीबर्थ हो गया था, इसलिए उससे बदला लेने का उसका कोई इरादा नहीं था। अगर उन लोगों ने उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी की तो वो उसे जाने देगी, लेकिन अगर वो उसे परेशान करते हैं तो दीपिका जरूर लड़ेगी। दीपिका को देखकर तरुण को बहुत सरप्राइज हुआ। उसका तो कार एक्सीडेंट हुआ था ना, पर अब वो इतनी ठीक कैसे लग रही है? अपने शॉक में तरुण को ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि उसके लिए दीपिका का बिहेवियर बदल गया था। उसने पूछा, तुम ठीक हो? हालांकि तरुण दीपिका को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसके एक्सीडेंट के लिए वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। और अब दीपिका ने पूछा, क्या तरुण को समझ नहीं आया क्या मतलब है? दीपिका हंस पड़ी। उसने तरुण को ऐसे देखा जैसे कि वो कोई इडियट हो। तरुण तुम अंधे हो, तुम ये नहीं देख सकते कि तुम्हारी आंखों के सामने मैं खड़ी हूं, ठीक हूं एकदम, तुम मुझे बस अकेला छोड़ दो। तुम तरुण नाराज हो गया क्योंकि उसकी इंसल्ट हो गई थी। हालांकि वो दीपिका में आए चेंज से ज्यादा सरप्राइज था। वो इतनी ब्रेव और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, जो कि पुरानी इंट्रोवर्ट और शांत दीपिका से बिल्कुल अलग। क्या ये कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ था कि वो इतनी बदल गई? हाँ, उसकी सोल एक्सचेंज हुई थी और उसके साथ ही उसकी पर्सनालिटी भी बदल गई थी। क्या? दीपिका ने इतनी शांति से कहा जैसे वो अभी उस पर चिल्लाई नहीं थी। ब्रावो! पीछे से एक फीमेल आवाज आई। ये शेमलेस लोग दूसरे को दुखी देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके लिए खुद पर प्राउड भी फील करते हैं। वो लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में थी और उसके लंबे स्ट्रेट बाल थे। उसकी बड़ी गोल आंखें और थिक लिप्स की वजह से वो बहुत सुंदर और क्यूट लग रही थी, लेकिन उसका बिहेवियर उसके अपीयरेंस से बिल्कुल अलग। वो बिल्कुल अकड़ से चली आ रही थी। ये बिल्डिंग फर्स्ट क्लास से 10 मिनट की दूरी पर थी। अंदर कई स्टूडेंट्स घूम रहे थे। उस लड़की की बातों ने बहुत लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर लिया था। तरुण अपने अच्छे लुक्स और एक्सेलेंट परफॉर्मेंस और अमीर परिवार के लिए हाई स्कूल में जाना जाता था, लेकिन ये सब सिर्फ दूसरों की नज़र में था। सिर्फ उसके क्लोज फ्रेंड्स ही जानते थे कि वो रियल में कैसा है। अगर वो एक अच्छा लड़का होता तो वो सिर्फ श्रुति को पाने के लिए किसी इनोसेंट लड़की को हर्ट नहीं करता। हालांकि सारे देखने वाले तरुण की साइड थे। उन्हें नहीं लगता था कि तरुण और दीपिका के बीच जो भी हुआ वो गलत था, बल्कि उन्हें तो ये सब इंटरेस्टिंग लगा। सिर्फ साहिल ने दीपिका को वार्निंग दी थी और उनके अलावा किसी और को इस बात की सच्चाई का पता ही नहीं था कि उनके बीच क्या हुआ। तरुण ने दीपिका को इसके बारे में किसी को भी बताने से मना किया था, क्योंकि जो भी चल रहा था वो स्टार्ट से एंड तक सिर्फ एक गेम था। अगर किसी और को पता चलता कि तरुण की गर्लफ्रेंड गरीब इंट्रोवर्ट और पढ़ाई में बुरी थी, अगर किसी को पता लगता कि तरुण की गर्लफ्रेंड गरीब इंट्रोवर्ट और पढ़ाई में बुरी दीपिका थी, तो उसकी काफी इंसल्ट होती। नंदिका तुम? तरुण को गुस्सा आ रहा था, जबकि भीड़ कंफ्यूज थी। वो पलटकर जवाब देना चाहता था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले। अपने दिल में वो जानता था कि उसने बुरा किया। दूसरी ओर दीपिका, नंदिका का नाम सुनते ही थोड़ा सरप्राइज हो गई थी। वो जानती थी कि ये लड़की स्कूल में पॉपुलर थी, लेकिन वो किसी भी अच्छे काम के लिए पॉपुलर नहीं थी। वो हमेशा क्लास में लेट होती थी और लड़ाई झगड़े में बहुत तेज। उसे बार बार वार्निंग्स मिल चुकी थी। वैसे तो उसे अब तक एक्सपेल किया गया होता, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा टॉप 40 में रहती थी। इसके अलावा वो एक बहुत पावरफुल परिवार से थी, इसलिए उसे एक्सपेल होने का कोई डर नहीं था। अरे इतनी जल्दी गुस्सा मत करो, आखिरकार मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, नंदिका ने हंसकर तरुण से कहा। मैं हूँ स्वरा। अब इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं ये कहानी। मैं हूँ स्वरा। नंदिका के एरोगेंट बिहेवियर पर तरुण को बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसके पास बोलने को कुछ नहीं था, क्योंकि नंदिका ने एक्चुअली उसका नाम नहीं लिया था। तरुण को पता था कि यहाँ ज्यादा देर तक रहने में कोई समझदारी नहीं होगी। उसने नंदिका को देखा और फिर दीपिका को घूरते हुए वहां से चला गया। हाँ, मैंने सोचा था कि वो ब्रेव था, लेकिन वो तो सिर्फ बोरिंग और डरपोक था। तरुण के जाने के बाद नंदिका बोर हो गई। तरुण एक्चुअली बहुत दूर नहीं गया था। उसने नंदिका की सारी बातें सुनी थी। वो इरिटेटेड था, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि नंदिका किसी भी चीज़ के लिए पॉपुलर नहीं थी, लेकिन दीपिका को वो अच्छी लगी। उसने सोचा कि वो अच्छी और फनी लड़की थी। कम से कम नंदिका रियल तो थी। हे, क्या ये वही लड़का जिससे तुमने प्यार किया था? व्हाट अ चॉइस, नंदिका ने मुंह बनाकर कहा। नंदिका को सब इसलिए पता था क्योंकि जब तरुण ने दीपिका से ब्रेकअप किया था तो उसने सब कुछ देखा था। हालांकि तरुण ने जो कुछ किया उसे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसका इस मामले में इन्वॉल्व होने का कोई इरादा नहीं था। उसने आज दीपिका का साथ इसलिए दिया क्योंकि दीपिका ने तरुण से जो कुछ भी कहा वो उसे बिल्कुल सही लगा। वेल, मुझे लगता है कि यंग और बेवकूफ होने पर हर लड़की एक बुरे लड़के से जरूर मिलती है, दीपिका ने मजाक किया। क्या? श्योर, दीपिका हंसी। ओह, लगता टाइम हो गया, चलो क्लास में चलते हैं। दीपिका नंदिका को इग्नोर कर आगे चली गई। नंदिका ने तुरंत कहा, तुमने जो कहा वो मुझे अच्छा लगा और मैं इसे फ्यूचर में जरूर यूज करूंगी। दीपिका को समझ नहीं आया कि क्या बोलना चाहिए। क्या वो सच में गाली देना एंजॉय कर रही थी? शौक से दीपिका ने जवाब दिया। तुम्हारे पास और क्या है? नंदिका ने ऑनेस्टली पूछा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ नहीं, दीपिका ने कैजुअली जवाब दिया। वो अब और परेशान होना नहीं चाहती थी। इसके बाद नंदिका चुप हो गई। नंदिका ने दूसरी क्लासरूम में पढ़ाई की, जबकि दीपिका ने चौथी क्लासरूम में। दोनों की क्लासेस एक ही फ्लोर पर थी। थोड़ी देर बाद दोनों तीसरे फ्लोर पर गई। नंदिका पहले अपनी क्लासरूम में गई और दीपिका को बाय कहा 9th क्लास की 4th क्लासरूम में। जैसे ही दीपिका अपनी क्लासरूम में गई, उसने तुरंत सबकी घूरती नजरें खुद पर फील की। उसने सामने देखा, सलोनी उसे बहुत बुरी तरह घूर रही थी और उसके चारों ओर खड़ी बाकी लड़कियां भी उसे बिल्कुल वैसे ही घूर रही थी। प्रिया सलोनी के साथ एक ही टेबल पर बैठती थी और दूसरी लड़की नेहा वो उनके आगे बैठती थी। वो तीन लड़कियां हमेशा साथ रहती थी। प्रिया और नेहा एक्चुअली में सलोनी की चमची थी, क्योंकि वो हमेशा सलोनी के ऑर्डर्स फॉलो किया करती थी। अगर सलोनी को दीपिका से नफरत है तो वो भी ऐसा ही करेंगी। प्रिया और नेहा सिर्फ एक कारण के लिए सलोनी की चमची बनने के लिए तैयार थी। सलोनी एक अमीर परिवार से थी, जबकि प्रिया और नेहा नॉर्मल परिवार से थी। जब तक वो सलोनी की बातें मानती थी, तब तक वो एक आरामदायक जिंदगी एंजॉय कर सकती थी। इसके अलावा अगर किसी अमीर लड़के ने उन्हें चुना तो वो अपनी लाइफ बदल भी सकती थी। सलोनी के परिवार के पास लाखों की प्रॉपर्टी थी और वो बहुत ज्यादा अमीर परिवार नहीं था। बहुत ज्यादा अमीर परिवारों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है तो उन्हें ज्यादा अमीर नहीं कहा जाएगा, लेकिन नॉर्मल लोगों की नजर में सलोनी का परिवार काफी अमीर था। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एक नॉर्मल हाई स्कूल था और यहाँ अमीर स्टूडेंट्स नहीं थे, लेकिन सलोनी जैसे लोग यहाँ दिखावा कर सकते थे। दीपिका को आते हुए देखकर सलोनी की नजरें और ज्यादा गंदी हो गई। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सलोनी अभी तक गुस्सा थी। हालांकि वो जानती थी कि दीपिका बदल गई थी, वो उससे डरती नहीं थी। उसकी नजर में दीपिका अभी भी वही गरीब लड़की थी। प्रिया और नेहा सिर्फ वही कर रही थी जो कि सलोनी कर रही थी। दीपिका ने उन्हें इग्नोर किया। उसे उन फालतू लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अपनी सीट मिली और वो बैक रूम में चली गई।
दीपिका तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम कल क्लास नहीं आई तो मैं परेशान हो गई थी। दीपिका के बैठने के बाद उसके बगल वाली लड़की ने तुरंत उससे कहा। उसके साथ डेस्क पर बैठने वाली इस लड़की प्रियंका को छोड़कर इस स्कूल में दीपिका का कोई दोस्त नहीं था। प्रियंका भी एक गरीब परिवार से थी। उसकी माँ कई सालों से बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। उसके पिता ने पूरे परिवार को सपोर्ट करने के लिए ब्रेकफास्ट की दुकान खोल रखी थी। उसके पिता ने पूरे परिवार को सपोर्ट करने के लिए एक छोटी सी दुकान खोली थी। प्रियंका की पढ़ाई और उसकी माँ की बीमारी के कारण उसका परिवार टाइट बजट में जी रहा था। और प्रियंका के रिश्तेदार भी उसके परिवार को पसंद नहीं करते थे। आखिरकार दो गरीब लड़कियां आपस में अच्छी दोस्त बन गई थी। प्रियंका की काइंडनेस दीपिका को छू गई। उसने समझाया, कल मैं आराम नहीं कर पाई थी ना, अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसलिए मैं नहीं आई। ओह, आर यू फाइन नाउ? प्रियंका ने पूछा। हाँ, अब मैं ठीक हूँ, दीपिका ने जवाब दिया। चलो, सुनकर अच्छा लगा, प्रियंका को राहत मिली। दीपिका ने देखा जो उसकी टेबल साफ थी, वो तुरंत समझ गई कि प्रियंका ने उसकी मदद की थी। उसे फिर से ग्रेटफुल फील हुआ। 6:50 हो रहा था, पहली क्लास शुरू हो गई। स्टूडेंट्स को लाउडली पढ़ना था जिनसे उन्हें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद करने में मदद मिले। दीपिका चुपचाप अपनी बुक पढ़ रही थी। कुछ देर बाद उनकी टीचर आ गई। टीचर का नाम सोनल झा था। वो लगभग 40 साल की थी और एक स्ट्रिक्ट टीचर थी। सबसे जरूरी बात तो ये कि वो हर स्टूडेंट के साथ एक जैसा बिहेव करती थी, फिर वो चाहे स्टूडेंट गरीब हो या अमीर। दीपिका को ये टीचर बहुत पसंद थी। सोनल झा क्लास के सामने खड़ी थी। जब उसकी नज़र दीपिका पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। दीपिका, मेरे साथ आओ, चलो बाहर। फिर सोनल क्लास से बाहर चली गई। जैसे ही सोनल ने दीपिका को बाहर बुलाया, हर कोई उसे देखने लगा। कुछ लोग कंफ्यूज थे, कुछ उदास और कुछ इस बात पे हंस रहे थे, स्पेशली सलोनी और उसके फ्रेंड्स। सलोनी को लग रहा था कि टीचर दीपिका को कल एब्सेंट रहने के लिए अब डांटने वाली है, पर दीपिका शांत रही क्योंकि वो जानती थी कि टीचर ने उसे बाहर क्यों बुलाया। दीपिका, प्रियंका टेंशन में आ गई। इट्स फाइन, दीपिका ने उसे समझाया। प्रोफेसर सोनल, इट्स गुड टू सी यू अगेन, दीपिका ने सोनल से पोलाइटली कहा। दीपिका, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हें सर्जरी की जरूरत थी, फिर तुम अचानक कैसे ठीक हो गई? सोनल ने डाउटफुली पूछा। परसों ही मीरा ने सोनल को कॉल करके बताया था कि दीपिका का कार एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन दीपिका आज स्कूल में थी तो ऑब्वियसली सबके मन में ये क्वेश्चन था कि एक्चुअली हुआ क्या था। दीपिका ये बात समझ रही थी तो उसने एक्सप्लेन किया, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, मेरे सिर पर चोट भी लगी थी और मैं बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरे ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया था और उसे सर्जरी से निकालना होगा, पर जब अगले दिन मुझे होश आया तो ब्लड क्लॉट भी खत्म हो गया था, इसलिए अब मैं ठीक हूँ। सोनल को यह सब अनबिलीवेबल लगा, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। आखिर चमत्कार भी तो हो सकता था। चलो, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है। अगर तुम्हें जरा सा भी अनकंफर्टेबल फील होता है तो प्लीज़ मुझे बता देना, अब तुम अंदर जा सकती हो, सोनल ने कहा। वो अपनी स्टूडेंट्स की काफ़ी केयर करती थी और दीपिका तो अभी एक कार एक्सीडेंट से रिकवर होकर आई थी। थैंक यू सो मच, दीपिका ने अपनी टीचर को थैंक्स बोला और फिर क्लास में वापस चली गई। जैसे ही दीपिका आई, हर किसी की नज़र उस पर फिर से गई। वो सब जानना चाहते थे कि क्या सोनल ने उसे डांटा, पर दीपिका एकदम नॉर्मल थी, उसे देखकर कुछ भी अलग नहीं लगा। सलोनी और उसके फ्रेंड्स परेशान हो गए। क्या सोनल ने दीपिका को डांटा या फिर दीपिका सब कुछ ठीक होने का दिखावा कर रही थी? एक्जैक्टली, वो दिखावा कर रही होगी, सोनल ने जरूर उसे बहुत डांटा होगा। लेकिन सलोनी अभी भी ये देखकर अनकंफर्टेबल थी कि दीपिका उदास नहीं थी। दीपिका, तुम ठीक हो? उसके बैठते ही उसकी दोस्त प्रियंका ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, दीपिका स्माइल करते हुए बोली। दीपिका सच में ठीक थी, ये देखकर प्रियंका को चैन मिला। जब सोनल अंदर आई तो उसने पढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद प्रियंका ने फील किया कि दीपिका थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कहाँ और क्यों। दूसरी ओर दीपिका ने अपनी बुक्स पर फोकस किया। वो तेजी से पढ़ रही थी और पेजेस पलट रही थी और साथ ही साथ सब कुछ याद करती जा रही थी। सलोनी ने एक बार फिर दीपिका पर फोकस किया। उसने देखा दीपिका कितनी तेजी से बुक पढ़ रही थी। अरे, दीपिका को देखो, वो कितना अच्छे से दिखावा कर रही है, वो इतनी जल्दी जल्दी पेज पलट कर एक भी वर्ड पढ़ कैसे सकती है, और वो लगता है अच्छी स्टूडेंट होने का दिखावा कर रही है। सलोनी ने प्रिया से कहा। सच में, वो एक अच्छी स्टूडेंट होने का दिखावा कर रही है, प्रिया ने सलोनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। सलोनी क्लास खत्म होने पर ट्रबल क्रिएट करने के बारे में सोच रही थी। प्रिया, नेहा, आओ मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, सलोनी ने प्रिया और नेहा को बुलाया। लेकिन उसकी आवाज़ तेज थी कि क्लास में सभी को उनकी बातें साफ सुनने को मिले। हर कोई तुरंत समझ गया था कि आगे क्या होने वाला है और वो सब उनकी बातें सुन रहे थे। प्लीज हमें बताओ ना, प्रिया और नेहा ने एक्साइटेडली कहा। कल मैं ज्वेलरी स्टोर पर किसी से मिली थी जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, उसे हर कोई नापसंद कर रहा था क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे ही नहीं थे और उसने दूसरों की ज्वेलरी को पता है नकली भी कहा, अमीरों से जेलसी हो रही थी उसे, सलोनी ने प्रिया से कहा। और नेहा पूरे समय दीपिका को देख रही थी। ये साफ था कि उनकी कहानी में कोई दीपिका ही थी। किसी ने सलोनी पर डाउट नहीं किया, लेकिन दीपिका को नफरत से देखा। हालांकि उनमें से कई अमीर परिवार से नहीं थे, फिर भी वो दीपिका के कंपैरिजन में बहुत बेहतर जिंदगी जीते थे। और तो और, उनमें से किसी की भी ज्वेलरी स्टोर में जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो अमीर लोगों की जगह थी। ऑफ कोर्स, वो अमीर लोगों से जेलस फील करती है, प्रिया और नेहा ने एक साथ जवाब दिया। प्रियंका ने परेशान होकर दीपिका की तरफ देखा। वो जानती थी कि दीपिका ऐसी नहीं थी और वो दूसरों के ऐसे बिहेवियर के लिए उन पर गुस्सा थी, स्पेशली सलोनी और उसके दोस्त, वो सभी बुरे लोग थे। क्या ज्वेलरी स्टोर हर किसी के लिए नहीं खुली थी? किसने कहा कि गरीब एक ज्वेलरी स्टोर पर नहीं जा सकता और एक ज्वेलरी स्टोर में जाने के बाद वहाँ कुछ खरीदना कंपलसरी ही है? लेकिन प्रियंका बहस करने के लिए बहुत वीक थी, उसने अपना गुस्सा अपने तक ही रखा। वेल, मुझे लगता है वो देखने में तो अच्छा है ही, अगर वो खुद से ज्वेलरी नहीं खरीद सकती तो वो अपने लिए एक ज्वेलरी खरीदने वाला तो ढूंढ ही सकती है। जब तक उसका शुगर डैडी खुश है, वो एक ज्वेलरी तो खरीद ही सकती है ना, सलोनी ने आगे कहा। ये सुनते ही सभी ने दीपिका को एक और अजीब तरीके से देखा, जैसे उसने पहले ही अपने लिए एक शुगर डैडी ढूंढ लिया था। यहाँ तक कि दीपिका खुद भी अब गुस्से में थी, उसने सलोनी को एक कोल्ड लुक दिया। सलोनी को थोड़ा खतरा फील हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सलोनी को लगा कि उसकी इंसल्ट हुई है और उसे गुस्सा आ गया। वो दीपिका पर चिल्लाई, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या हो? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अगर तुम मानना चाहती हो तो शौक से करो। ओह, मैंने कब कहा कि तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि ये स्टोरी सुनाते समय तुम मेरी तरफ क्यों देख रही थी? क्या तुम्हें मुझ पर क्रश है? सॉरी, पर मुझे सिर्फ लड़के पसंद है। ये मजाक करते समय दीपिका ने बिल्कुल सीरियस फेस बना रखा था। दीपिका की ये बात सुनकर सारी क्लास हंस पड़ी, जिससे सलोनी को बहुत एम्बैरस फील हुआ। उसने गुस्से में डेस्क पीटा और दीपिका पर चिल्लाते हुए बोली, दीपिका मुंह बंद करो, तुम सच में बहुत बेशर्म हो, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ कहा ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये कहते हुए सलोनी लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार थी। दीपिका, तुम बहुत बेशर्म हो, सलोनी से दूर रहो, प्रिया ने सलोनी का साथ देते हुए और दीपिका को घूरते हुए कहा। एक्जैक्टली दीपिका, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? नेहा ने एक गंदा सा चेहरा बनाते हुए कहा। दीपिका, प्रियंका टेंशन में आ गई और उसने दीपिका को सलोनी से लड़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती दीपिका ने उसे घूर कर रोक दिया। दीपिका को पता था कि प्रियंका उसके बारे में परेशान थी, लेकिन वो अब अलग थी, अब वो सलोनी से बिल्कुल नहीं डरती थी और अब वो अपने मैटर्स खुद सॉल्व करना चाहती थी।
मैं हूँ स्वरा।